सुबह जो आई है तेरी पलके चुमके हवा के साथ झुमके हाँ गोल गोल घूमके यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मुझे गर्मी लग रही है या गर्मी हो गई है, इतनी सी सर्दी हमारे हिस्से में, कराची वालों के हिस्से में इतनी सी सर्दी आएगी ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, आई डोंट नो, पूरी दुनिया में तो इतनी सर्दी पड़ रही है और यहाँ हमारी कराची में ये हाल है कि मुझे आज बाकायदा फील हो रहा है कि गर्मी, आप लोगों को लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है? और हमने आज प्लान किया है सर्दी का शो, सर्दी के खाने। ऐसे हर किसी के घर में ना अलग अलग खुशबूएँ आ रही होती हैं इस मौसम में, स्पेशली किसी के घर में पाए पकने की खुशबू आती है। आप पड़ोस में भी रहते हैं ना तो इर्द गिर्द से अलग अलग खुशबूएँ, किसी के घर में कलौजी पोटे पकने की खुशबू आ रही होती है, किसी के घर में गाजर के हलवे की खुशबू आ रही होती है, कहीं बीफ की निहारी बन रही होती है और कहीं शकरकंदी बनाई जा रही होती है, सिंघाड़े मछली तलने की खुशबुएं आ रही होती हैं। सो गर्ज ये कि हर किसी के घर में खाने पीने का जो अहतमाम है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, बाहर हो, सबके घर में अलग अलग होते हैं। बाहर आती है तो साग और मकई की रोटी और वगैरह वगैरह, हर अलग अलग चीज़ें अलग अलग मौसम के हिसाब से जो है वो तय की हुई भी होती है सबके घरों घरों में। रहन सहन जिस तरह का होता है, हमारे घर में सर्दियों में गाजर का हलवा बनता है, पाए बनते हैं, मछली, ओ हो, मछली और प्रॉन, ये जो सी फूड है वो तो मस्ट है, और कुछ गरम गरम जो चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हलीम है, हलीम बनाया जाता है। सो हमारे यहाँ सर्दियों में ये ख़ास चीज़ें बनती हैं, और भी हैं जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, मैं आपको बता दूँगी। एक्चुअली किचन में खड़ा होना ना सर्दियों में बुरा नहीं लगता, आपका दिल चाहता है कि अपने घर वालों को खाने बना बना के खिलाएं, और रिसर्च भी ये कहती है सर्दियों में आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा वज़न बढ़ाते हैं। मगर यार इस वक्त मैं वज़न कम करने की बात बिल्कुल नहीं करने वाली, कराची में तो वैसे ही तबर्रुक के तौर पे सर्दी आती है, सो हम कैसे वज़न कम करने की बात करें? इस वक्त हम वज़न बढ़ाएंगे, गर्मियों में घटा लेंगे, हाँ हाँ हाँ, या फिर जिम चले जाएंगे। लेकिन आज मुख्तलिफ सेलेब्रिटीज़ आपको बता रहे हैं कि उनके घर में सर्दियों में क्या बनता है, और साथ मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ज़रा हेल्थ बेनिफिट्स भी बता दिए जाएँ, साथ ही साथ मज़े के साथ अगर थोड़ी हेल्दी चीज़ें भी हों तो क्या मज़ा है ना। मतलब एक तलवार नहीं, क्या कहते हैं उसको, मुहावरा याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त, बिल्कुल जहन में कोई मुहावरे का मूड नहीं है, क्योंकि इतने मज़े के खाने की चीज़ें हैं ना। नहीं, एक तीर से दो शिकार इस गलत मुहावरा एक पन दो काज या कुछ इस तरह का सीन होता है, आई डोंट नो, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ वो खाने हैं जो यहाँ पकने वाले हैं, क्योंकि अभी से जब उसकी तैयारी हो रही है तो खुशबुएँ महक रही हैं हमारे ARY के स्टूडियोज़ में। और मुझे पता है इस प्रोग्राम के बाद आपके किचन में, आपके घर में भी ये खुशबुएँ महकने वाली हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपसे भी रहा नहीं जाएगा। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए। अच्छा, हम तो ब्रेक नहीं ले रहे हैं, मैं तो लेट पहुँची हूँ यहाँ। मैं सारी सेलेब्रिटीज़ जो इस वक्त मेरे पास हैं और जहाँ जो आपको अपने घर की रेसिपीज़ बताने वाली हैं उनको बुला रही हूँ मेरे साथ। बड़े दिनों बाद ये हमारी चैटर बॉक्स आ गई हैं। सना अस्करी, आ जाओ, कितने दिनों से मैंने इसकी आवाज़ ही सुनी, तरस गई हूँ मैं। आ जाओ आ जाओ, माइक ही नहीं लगा, देर बाद बुलाएंगे, सॉरी। नहीं ना, एक ब्रेक चला गया हमारा। कैसी हो? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सही सर्दी मना रही है। मैं सही सर्दी मुझे गर्मी लग रही है, तुम स्वेटर पहन के आई हो। दिस इज वेरी सॉफ्ट। हां सही, ये सही। इट लुक्स मोटा बट इट्स नॉट। अब तुम हो तो साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है किरण का, क्योंकि जब ये बोलेगी तो कौन सुनेगा? किरण। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैंने कहा किचन एक्सपर्ट होनी जरूरी है, सबको चेक करूंगी मैं
और बन रहा है। और हम बड़े दिनों बाद महम आमिर हमारे साथ, जिनको खिलाने का भी शौक है और खाने का भी शौक। हेलो, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल? बिल्कुल ठीक। पता है तुम्हारी तुम्हारे वेलकम पे ना कोई एक स्टेप हो, कोई स्टेप होना चाहिए। मैं कर देती हूँ। हाँ, तो तुम हमें बताओ तो नहीं, हम नहीं, कोई आज हम खाने की बातें करते हैं। आज हम खाने की बात। और मुझे वो खाना भी खाना है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर वो एनर्जी आती है। वो एक्चुअली खाने के बगैर नहीं, वो वैसे ही है। खाने का असर होता है जो भी आप खाते हैं। I'm sure, हाँ, whatever you eat is you what you are, of course. तो पीछे क्यों जाई जा रहे? हाँ, मुझे लगा मैं आगे आ गई हूँ, तो मैं पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम ये जो हमारा सर्कल बड़ा हो गया है, इसको हम फ्रेमिंग करें ना, वो अंदर डायरेक्शन भी तो चल रही होती है। मैं यही रह गई थी ना, आई वाज लाइक क्या हो रहा है, मैं आगे निकल के आ गई हूँ एकदम बात करते करते इतनी जल्दी। अच्छा, तुम लोग क्या खाते हो सर्दियों में? तुम लोगों की क्या इंतजार होता है कि सर्दी आए तो बस ये खाना? मैं तो सब खाती हूँ। आई ईट ड्राई फ्रूट का ज्यादा होता है इस्तेमाल, प्लस पाई, और पाई की दावत तो मस्ट है। मम्मी तो शुरू से ही पाई की दावत, क्योंकि वो फिर हाथ उतने ही चिपकते हैं जितनी ठंड होती है वाला, है ना? कुछ कहते हैं कि उतने ही चिपचिप करे, और वो सबसे बेहतरीन सी फूड। कुछ खाती भी हो सर्दियों में कि नहीं? नहीं, अच्छा मेरा ये होता है कि घर में सी फूड बहुत बनता है। अच्छा, साल में मेरी मम्मी के घर, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। हाँ, 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 उसके लिए कोई वो नहीं, तो सी फूड का कोई लिमिट ही नहीं है कि वो अच्छा इस तरह इस मौसम में हो गया उसमें। ड्राई फ्रूट भी वैसे ही, तो वो हर चीज वैसे ही चलती रहती है। पर हाँ, गाजर के हलवे बहुत बनते हैं, वो वाली, हाँ, फ्रेश गाजर का हलवा, गजरेला बहुत बनता है। मैं छोटी सी, मेरी दादी घर में बहुत बनता था गजरेला, वो पूरे बड़े बड़े पतीलों में, फिर वो सबके घरों में जाता था, तो ये वाली चीजें बड़ी होती है। ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो भाई, आज क्या क्या बन रहा है इधर, क्या क्या अपने घर की कौन कौन सी रेसिपीज आप लोग लेकर आए हैं, जरा किरण बताइए। भाई मैं एक हलवा है जो सर्दियों में खास बनता है, ये गुड़ से बनता है। हाँ, okay. और ये है माखंडी हलवा। माखंडी हलवा सूजी का हलवा होता है। हाँ, लेकिन अगर आप गुड़ के साथ बनाते हैं इसको, दूध का, इसमें सूजी भूनते नहीं है। अच्छा, इसका एक अलग प्रोसीजर है, कच्ची सूजी डालते हैं दूध के अंदर ना, ये खास सर्दियों में बनता है। ये पंजाब साइड का एक्चुअली हलवा, ये मेरे शो पे किसी ने सिखाया था, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मैं ये बनाती हूँ। और एक मैं सब्जी बना रही हूँ पालक की, क्योंकि ये पालक और सरसों का साग, ये सारी चीजें आती हैं। आलू और पालक मेथी की सब्जी, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी, फ्राइड प्रॉन्स बना रही हूँ मैं, और मैं एक अंग्रेजी वाला पाए बना रही हूँ। अंग्रेजी वाला पाए? अच्छा, वो इंग्लिश पाए, ई वाला पाए, ई वाला पाए बना रही हूँ। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पाया नहीं है, पाया, नो पाया, पाए, ओनली पाए, और वो ऑरेंजेस के साथ बनते हैं। अच्छा, सो वो मजे का लगेगा आप लोगों को, इंशाल्लाह। सोचो, अगर कोई सोच रहा होगा पाए ऑरेंज के साथ, अगर किसी ने अभी प्रोग्राम देखा, एकदम ट्यूनिंग किया होगा, ये तो कुछ अजीब चीजें खाते हैं ये लोग, ये टीवी वाले लोग हैं ही ऐसे, पाए के साथ ऑरेंज खा रहे हैं ये लोग। कभी तो लगता नहीं है। आई हर्ट दैट पाई बना रही हूं सुबह सुबह। यहां तुम क्या बना रही हो? मैं बना रही हूं प्रॉन कढ़ाई और कश्मीरी चाय। ओए होए होए, हैवी सर्दियों की सौगात। हर शादी में अगर कश्मीरी चाय नहीं हो तो हम नहीं जा रहे शादी। पिंक होगी, कोशिश करेंगे। इट हैज टू बी पिंक। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, पिंक कलर डाल देंगे, कोई बात नहीं, चुटकी भर लिपस्टिक डाल देंगे पिंक कलर। अच्छा, वैसे जो तुम लोग आज पूरी वो टोटका वाली बनने वाले हो, टिप्स बताने वाले हो, तो तुम लोगों कुछ रट कर आए हो ये बाकी घर में अम्मा नानी दादी एक दो रट सास, कहीं से सीखी है? Honestly, एक दो वाकई आपकी वाली बात के, हाँ, रट क्या है कुछ चीजें वो बचपन से पता थी ना, ऐसे कर लो कि तुझे खांसी में ये होगा तो ये कर लो, इसमें ये होगा तो ये कर लो, वो किया तो कम ही जाता है, बस याद होता है कि ये होना है, वो होना है। मतलब लाइक पीछे पड़े हुए होते सारे बुजुर्ग, कहा था ना ये कर लो, एरिया खराब हो रही है और ये हो रहा है, तो कुछ टोटके हमने निदा के शो से भी सीखे हैं। अच्छा, और डांटे कितनी पड़ती हैं? कहा था ना बच्चे को पिलाओ सफेदी का पानी। हाँ, देखा कोई असर नहीं किया दवा ने, सुनते नहीं है। अम्मा, अम्मा तो इतने ताने देती थी। हाँ, मुझे भी कहा था ना पिलाओ सौंफ का पानी, देखो हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो गया, रुका ही नहीं। तो ये वाली चीज, दवाइयों पे हम ज्यादा एतबार कर रहे होते थे और टोटकों पे नहीं, टिप्स पे नहीं, बट अब तो बिल्कुल ही टोटको पे नहीं करते। हाँ, जो हाँ, नई जनरेशन है वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, आई एम ऑलवेज अप फॉर टोटको। हां, मी टू, आई लव टोटको। मुझे लगता है हार्मलेस होते हैं, हार्मलेस होते हैं। अगर वो कोई फायदा नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तुम घर में अपनी बेटी पे लाइक वो करती हो एक्सपेरिमेंट, टोटका शोटका ये कुछ करती हो? हां, मैं कर लेती हूं।
हाँ वो ऐसे होते हैं ना क्योंकि किसी ना किसी ने बताए हुए होते हैं. मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उनकी अम्मा जो चीजें बताती है ना वो हैंड्स डाउन इतनी अच्छी होती है, इट ऑलवेज वर्क. तो मैं फिर वो आगे पास ऑन कर रही होती हूँ. कभी रबिया को जा रहे होते हैं वो टोटके, कभी कहीं और जा रहे होते हैं क्योंकि घर में और भी बच्चे हैं ना. क्योंकि हाँ तो छोटे बच्चे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, जरूर खांसी नजर आएगा. सब चीजें तो बहुत टोटके चलते हैं, बहुत चलते हैं, खांसी चलता है. अच्छा किचन में जाके ओकेजनली कौन कुक करता है और रेगुलरली जिसको करना पड़ता है? रेगुलर मैं ओकेजनली करती हूं. मेरे घर में मेरी जेठानी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है, अम्मा के घर जाती हूं तो मेरी अम्मा बहुत अच्छा बनाती है, मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है. तो उनके घर में टाइम तो जब कभी मूड होता है या कभी अम्मी ने कुछ बोल दिया है, मेरी सासू अम्मी ने कुछ बोल दिया कि ये चीज बनानी, तो तब होता है वो. जैसा कम ही होता है पर यूजली देखो ऐसा नहीं कि मैं फूवड़ हूँ, पर हाँ तुम रेगुलरली पकाओ. हाँ क्योंकि मैं ही हूँ. हाँ तो इसलिए तुम रेगुलरली पकाओ. खुद ही बनाती हूँ रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर. तुम भी लाइक अभी तुम खाना हांडी चढ़ा के आई हो? अभी अभी नहीं, अभी जाके करूंगी. और वो कोई तुम्हारे ऊपर इतना हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि इतने बजे हांडी तैयार होनी चाहिए? लेकिन माय हस्बैंड ही लाइक्स मेरे हाथ का खाना, तो वो उसकी वजह से मुझे करना पड़ता. तो अगर तुम जब शूटिंग कर रही हो तो फिर सुबह बनता है, तो सवेरे बना के जाती बिल्कुल, हो बिल्कुल. तो तुम्हारे पोर्स नहीं ओपन हो जाते मेकअप से पहले? ये मियां सुनेगा कि पोर खुल रहे हैं. तो तुम भी बर्फ के पानी में मुंह डालती हो? हाँ मैं डालती हूँ, एक्चुअली डालती हूँ. वो सारी खवातीन जिनकी सुबह सुबह आँख नहीं खुल रही होती बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, वो भी एक बर्फ का प्याला रखें और उसमें मुंह डाले, सिरहाने रखें, अपने आप को डाले, मुंह ना डाले अपने आप को. क्योंकि वो जो चिड़चिड़ाहट होती है यकीन मानो मुझे कभी नींद नहीं पूरी हुई होती, और मैं ठंडे यख पानी से मुंह धोती हूँ ना, मैं मेरी चिड़चिड़ाहट दूर हो जाती है. पर नेता जी बहुत ज्यादा वो नहीं है वो, आपको वैसी सुबह बच्चों के साथ स्कूल, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी तो स्कूल शुरू होना है मेरी बेटी का, अभी तो वो सब चीजें होंगी, तो माओ के ऊपर कितना जुल्म है ना वाला. सुबह सुबह उठो, मेरी अम्मा भी हम सबको देखते हैं, रूटीन अच्छी हो जाती है. यू स्लीप अर्ली, यू वेक अप अर्ली, यू हैव अ लॉन्गर डे. व्हाट अबाउट अस हु डोंट स्लीप अर्ली बट वेक अप अर्ली? We have no life. पता है हम 11 बजे हम लोग सब यूं होते हैं. हाँ मैं तो लाश वेली होती हूँ literally. रात में हमें कुछ ना कहो भाई कि ये काम कर लो या रिकॉर्डिंग कर लो. नहीं बिल्कुल ऑफ सीन. एक पॉइंट आता है आपका ना, बोलने का भी दिल नहीं कर रहा था. आप कहते हो लाइक मेरे साथ हर रोज आप कहते हो चुप हो जाओ, कोई बात ना कर, अल्लाह का आई वांट माय पीस. और सोचो सारी दावतें शादियां रात में होती हैं, और उस वक्त आपको जाके अच्छा मूड भी रखना है, तस्वीरें भी खिंचवानी है, उनको क्या पता कि निदा का जो बैटरी है वो बिल्कुल ऑफ मोड पे चली गई है. सुबह से उठे होते हैं यार 6 बजे से नहीं होता, अब नहीं होता. मतलब पहले तो फिर भी यू नो व्हेन यू यंगर यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, अब आप ना ड्रेन हो जाते हो. मैं तो बिल्कुल ड्रेन हो जाती हूँ. 10:30 इज लाइक माय डेडलाइन, उस वक्त मुझे बिस्तर पे होना. आ गई हमारी नताशा, चलो सेटिंग हो गई, आ जाओ आ जाओ, चलो किचन में जाने के लिए हम सब तैयार हो गए. मैं तो पहले से तैयार हूं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हो? ये मिल गई डॉली दोबारा से अपनी साथी से. ये पुराना साथ इनका, डॉली के पास ये अलग है. अच्छा अब तुम बताओ, क्योंकि यहाँ हमें मिलेगा पंजाब वाला कल्चर, कि वहाँ सही की सर्दी पड़ी है, तो तुम्हारे घर में सर्दियों में क्या खाने बनते हैं? हमारे घर में एक तो बनता है मटन कुन्ना स्पेशली, सिरी पाए बहुत बनते हैं हमारे घर में सर्दियों में स्पेशली, निहारी बहुत बनती है हमारे घर में सर्दियों में, और एक आलू गोश्त तो ऐसा एक हमें हमारे घर में ये लगता है लाहौर वाले में कि ये हमारी घर की कॉमी डिश है. वो एवरी वीक बननी है, और मटन पुलाव भी हमारे घर में हर वीक बनना है. आलू गोश्त तो खैर बनता है, आलू गोश्त भी हर वीक बनता है. पंजाब में कॉमन डिश है हर घर में. नहीं हमारे घर में भी है आलू गोश्त. मुझे आलू चिकन मैं आपको बताऊं कॉमन डिश नहीं है बेसिकली. जब किसी को कुछ समझ नहीं आता आलू गोश्त बनाओ. मैं अम्मी के यहां थी तब आलू गोश्त ले दे आलू गोश्त. नहीं लेकिन हमारे घर की वो कॉमन डिश है ना, तुम्हें पसंद भी है. हां हम लोग तो पुलाव और आलू गोश्त के बगैर रह ही नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए. तो सर्दियों गर्मियों बाहर हो खिजा हो आलू गोश्त पुलाव लाजमी बन गया. ये दो चीजें लाजमी बन रही हैं. और पता है क्या, क्योंकि लाहौर में जो फिश है ना वो ताजी नहीं मिलती, तो हमारे हम अपने घर में फिश नहीं बनाते. इसलिए मैंने सोचा मैं आज फिश बनाऊंगी यहाँ पे, मुझे मौका मिल रहा है खाना बनाने का कराची. अच्छा वैसे तुम्हें शौक है फिश खाने का? हाँ. तो तुम जब कराची आती तो सी फूड पे बस? She is a foodie. She is a total foodie. हाँ. और ये वो जो hangry term है ना, वो नताशा के साथ बैठती है. जिसको भूख लगती है नताशा loses it. She loses it. ये फिर खुद की भी नहीं सुनती. वो ये किसी की भी नहीं सुनती. मैं कहती हूँ बस खा लो अब. Fuse down. तो तुम आज मछली बनाओगी क्या?
फ्राई वाली मछली? मैं नहीं, आज मैं बना रही हूँ आप सबके लिए फिश टकाटक। हम लोग कटा करते थे, पंजाब में कटा करते थे। ये खाना वो पंजाब वाली वो है तो ये अच्छा। और मीठे में क्या खाते हो तुम लोग घर में सर्दियों में खासतौर पर? गाजर का हलवा। वो मेरी अम्मी बहुत अच्छा गाजर का हलवा। और वो क्या कहते हैं, गजरेला। डिफरेंस होता है पंजाब में शायद ज्यादा, क्योंकि मुझे गाजर का हलवा नहीं बनाना आता, मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती है, तो मुझे गजरेला आता है, तो मैंने सोचा आज गजरेला। लवली गजरेला, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। हां ज्यादा उसको बनाते हैं। गजरेले में तो कुछ नहीं है, दूध के साथ वो दूध उठा के मेहनत तो है, अगर आपने छोड़ दिया तो गया वो चिपक जाएगा नीचे। हां बर्बाद हो जाएगा। बस नताशा के आज मसल्स होंगे जब वो यहाँ से जाएंगे अच्छा रिपीट करते हैं कि आज हमारे शो पे क्या क्या बन रहा है, क्योंकि जिस भी रेसिपी में आप इंटरेस्टेड हो जरा उसको ध्यान से सुने। चलो जी शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी तक हम। फ्राइड प्रॉन्स और ऑरेंज पाई, फिश टकाटक एंड गजरेला, प्रॉन कढ़ाई एंड कश्मीरी चाय, मखंडी हलवा और आलू पालक मेथी की सब्जी। ओहो यार भाई वालो, हमारा लंच है फ्री दावत, आज बुला लो सबको, आज हम दावत करेंगे। आप लोग अपने अपने किचन्स में जाइए। ओके मेरा किचन कौन सा है? मेरा किचन ये वाला। अपने अपने किचन्स में जाइए, सेटलमेंट करें। मुझे किसी और की किचन में जाके पकाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम लगता है। इनफैक्ट अपने किचन में भी जाके पकाना मुश्किल काम लगता है, क्योंकि मैं कम कम जाती हूँ और मुझे नहीं पता चलता जब तक मैं सफाई ना करवाऊँ कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। सो फिर मैं ओकेजनली सफाई के लिए बहाना करती हूँ कि अच्छा बताओ ये क्या है, ये किधर है, वो किधर है, और फिर उसके नेक्स्ट डे खाना पकाती हूँ, ताकि मुझे बेइज्जती ना हो और ये ना पता चले किसी को कि अच्छा वो सोया सॉस ही नहीं पता बाबा जी को कहाँ है। तो अच्छा अब अगर हम टिप से शुरुआत करें, जब तक आपके चूल्हे गर्म हो, टिप से वार्म अप हो, तो किरण कुछ टिप्स देना चाहेंगी अपने मेरी साइड का चूल्हा क्यों वो नहीं चल रहा? इसीलिए मैंने कहा है कि कोई चूल्हा वूल्हा खोल दो। नताशा आपकी साइड का चूल्हा नहीं जल रहा, मेरी साइड के बर्तन ही नहीं दिए उन्होंने, और मुझे मैं इंतजार कर रही हूं। परेशान ना हो, ब्रेक के बाद सब कुछ मिलेगा मेरे जूते। मुझे बर्तन बड़ा वाला चाहिए। अच्छा सब मुझे बर्तन बड़ा ले लो, मुझे सिर्फ बर्तन चाहिए, मुझे तो मेरी क्रीम चाहिए और डिश चाहिए। अभी ब्रेक नहीं हुई, इट्स ओके, नो नो। किरण कोई टिप्स दो ना भाई। टिप मैं आपको देती हूँ, एक तो अच्छी स्किन के लिए ये जो फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होती हैं, आपको किचन में खड़े हो के फाइन लाइंस और अच्छी स्किन के लिए और क्या आपको केयर तो करना है, ज्यादा केयर करना है। किचन में खड़े होने के बाद तो आपने ज्यादा अपनी त्वचा की हिफाजत करनी जी, है उसके लिए भाई मुझे ना दूध के मिल्कशेक्स और स्मूदीज का बहुत शौक है, तो मेरा फायदा ये है कि इस तरह की चीजें जो है ना, जो कि जिसमें कैल्शियम हो, बनाना शेक है इस तरह का, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप जैसे दही ले लें, दूध ले लें, थोड़ा सा दलिया डाल लें उसमें, थोड़ा सा शहद डाल दें, सिनेमन पाउडर डाल दें, और इसको आप ग्राइंड कर लें, और मिल्कशेक एक तरह से स्मूदी है। इसमें पीना है लगाना? ये पीना है, ये पीना है। ओ, अच्छा, पीने अच्छा। के भी तो फायदे हैं, सिर्फ लगाने के नहीं, असल तो है अंदर से। तो हम पी भी ले लगा भी ले चलेगा? नहीं लगाएं क्यों, बच जाए बनाना, दो घूंट बच जाए तो मुंह पे लगा। अरे आप ये देखें, इसमें बनाना है, दही है, दलिया है, दूध है थोड़ा सा। दलिया क्या करता है कि आपके अंदर के सिस्टम को, डाइजेशन को बहुत बेहतर करता है। तो जब तक पेट साफ नहीं होगा ना, मैं सच बता, दिमाग सही नहीं होगा। किरण मैं हमेशा कहती हूँ पेट खराब दिमाग खराब। सही कह रही हो तुम, लेकिन किरण मैं सच कह रही हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं, पी के दो घूंट बचाएं और मुंह पे लगा लें, अच्छा होगा। सच्ची मैं बता रही हूँ, इसमें कोई आर नहीं है। दही है, कौन सी इसमें हरी मिर्चें हैं, स्किन के लिए कोई मसला नहीं है, और क्या कुछ भी नहीं लगा है ना भाई। मेरी सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है, जो फल खाओ वो मुंह पे लगा लो, मुंह पे लगा लो, दैट्स ऑल आई डू। अच्छा चलो तुम्हारे चूल्हे वूल्हे बर्तनों का अरेंजमेंट करें, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद सर्दी के खाने, मजेदार रेसिपीज आपका इंतजार करिए, और जबरदस्त टिप्स इनकी हसीन खूबसूरत खूबसूरत त्वचा और बालों का राज, बालों का तो क्या, बालों का राज फुल। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आज मेज़बान नहीं बल्कि मैं मेहमान लग रही हूँ, और मेरे मेहमान उन्होंने आज मेरा किचन संभाल लिया है। मज़े मज़े के खाने तैयार हो रहे हैं, मेरी हर तरफ कहीं से प्रॉन्स की खुशबू आ रही है, कहीं से मछली की खुशबू आ रही है। आज हम मेहमान नहीं, आज हम वो किचन में जो आज मेरे लिए आपने सोफ़ा क्यों नहीं रखा टीम? मुझे एक ऐसा सोफ़ा चाहिए जिसमें मैं आराम से
मजे से बैठूं, बल्कि आधी लेट हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। रिलैक्स रिलैक्स और चिल। और ये लोग मेरा प्रोग्राम की खातिरें होंगी। आज मेरी छुट्टी है मैडम, प्लीज मैडम लीजिए ना। मैडम आप क्या खाएंगी मैडम जी? मैडम जरा बताइए तो सही। किरण आपसे शुरू करते हैं। मैंने तो तकरीबन एक डिश तैयारी कर ली। अच्छा, मुझे अपनी डिश की रेसिपी बताइए। अच्छा हाँ, मैंने क्या किया, ये एक तो आलू पालक मेथी है, ठीक है, बहुत ही आसान है। हमारे यहाँ सब्जियाँ बहुत बनती हैं और पालक आलू पालक मेथी तो यम्मी होती है ना। इसमें मैंने क्या किया, प्याज लिया थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ, ऑयल लिया उसको हल्का सा सौते किया, आलू डाल दिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, आलू की मैंने क्यूब्स काटे हुए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्चें, नमक डाल दिया। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद टमाटर डाले और थोड़ा पानी डाला। जब टमाटर थोड़े से गल गए तो मैंने अभी पालक डाल दिया। पालक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, अगर और चाहिए होगा तो और डालेंगे। मेथी इसमें आप फ्रेश मेथी भी ले सकते हैं, ये जैसे ये फ्रेश कटी हुई है क्योंकि सीज़न में है, आ रही है, मट्टी वट्टी ना हो प्लीज़ ये ख्याल रखें। पालक को भी धो के इस्तेमाल करें, उसमें बहुत सारी मट्टी होती है। धोने का भी तरीका होता है कि पानी में भर के आप ऐसे निकालें, ठंडे पानी में कहते हैं ना डाल दें, ठंडा पानी गर्म पानी कुछ भी, लेकिन निकाले पानी से ऐसे तो वो मट्टी नीचे रहती है, ऐसे ना पानी को वो करें, हाँ वरना वो मट्टी रह जाती है उसमें। इसके अलावा जो है वो सूखी मेथी का मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास ये फ्रेश मेथी नहीं है तो आप कम से कम सूखी मेथी ले लीजिए। अच्छा कोई एक एक मुझे एक बात बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेथी की एक टाइमिंग होती है डालने की, वरना वो कड़वी हो जाती है। आखिर में डालेंगे, आखिर में डालें, चाहे आप सूखी मेथी डालें चाहे आप ये फ्रेश वाली डालें, बिल्कुल आखिर में डालें। हाँ। 5-7 मिनट पका लें जब तक शक्ल आ जाए। अच्छा पकाते हैं? हाँ हाँ, मैं तो क्योंकि मैंने ये सुना है कि मेथी को इतना पकाते नहीं। पका ले लेकिन आखिर में पकाए, ज्यादा पकाने से कड़वी हो सकती है। हाँ अच्छा, एक टिप मैं देना चाहूँगी, जैसे ये पालक अभी हरा हरा नजर आ रहा है, थोड़ी देर के बाद अगर ये डार्क हो जाए, उससे बचने के लिए थोड़ी सी ये शुगर ले लें, चीनी और ये स्प्रिंकल, क्योंकि पालक हमारे यहाँ मैंने नोट किया है भून भून के काला कर देते, काला कर खाने का भी दिल नहीं चाहता, जबकि पालक का अपना इतना खूबसूरत कलर होता है, बहुत अच्छा कलर। तो तुम कह रही हो थोड़ी चीनी मिला देते हैं, तो थोड़ी सी कलर, हाफ टी स्पून भी नहीं, ऐसे चुटकी, बिल्कुल लिया 2-4 चुटकी वो डाल दें आप उसमें। मटर हो, कोई भी हरी सब्जी हो, चाइनीज में हम लोग डालते हैं, हाँ, ताकि उसकी सब्जियों का रंग खराब, हाँ, इसी वजह से मैं भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। फ्लेवर में इतना कुछ फर्क नहीं चेंज पड़ता, नहीं आता, बस कलर अच्छा, कलर अच्छा आता है, वो स्टे करता है उसका। तो ये आलू पालक मेथी इसके तो बहुत फायदे भी है खाने के, मतलब बहुत, पालक के तो वैसे ही फुल ऑफ आयरन, हाँ, और कम पकाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे आलू को गलाना है, आयरन पालक और मेथी में, वो पॉपॉय द सेलर मैन, पॉपॉय द याद है ना मुझे, तो वो ही याद है, तो वो एक दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ, तो ये आलू पालक मेथी की रेसिपी। अच्छा अच्छा, लाहौर में तो मेथी और आलू अलग डिश है, अच्छा पालक और आलू और पालक या गोश्त अलग डिश है, हाँ, पालक ये डिफरेंट है दोनों, लेकिन ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ, आई थिंक कराची में ऐसे बनाते हैं सब्जी। इंटरफेयर कर सकती हूँ प्लीज, मैं अपने पाई के लिए इंटरफेयर कर रही हूँ, पी आई ई वाले पाई के लिए। ये मैंने मैरी बिस्किट और बटर मिक्स करके, क्रश मैरी बिस्किट थे और बटर था, अब ये मैं फ्रीजर में डलवा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अच्छा, 10 मिनट्स। अच्छा, फ्रीजर में रख के आप मुझे रेसिपी बताओ कि आगे क्या करोगी फिर तुम। ओके, फिर मैं बनाऊंगी इसके साथ, पहले तो हेडिंग बताओ दोबारा से लोगों को कि क्या बना। हम कहते हैं शिफॉन पाए, शिफॉन पाए, या बिकॉज इट्स वेरी स्मूथ पाए, मतलब आप खाएंगे ना इट्स गोइंग टू मेल्ट इन योर माउथ। तो इस पे मैंने जैसे एक डब्बा आपने लिया जो क्रैकर बिस्किट्स नहीं होते, क्रैकर बिस्किट्स नहीं, मुझे जब आपके पेट में दर्द होता है तो मैं कैसे नाम नहीं ले सकती ना, ले लो मैरी बिस्किट का एक डब्बा लिया, ले चुकी और कह रही ले चुकी है, नानी ले चुकी हूँ, अच्छा सॉरी, तो मैरी बिस्किट का एक डब्बा लिया, उसको बिल्कुल चूरा कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक जो मीडियम साइज का बटर होता है वो लिया, उसको थोड़ा सा मेल्टेड हो बटर ताकि वो उसमें क्रम्पल हो जाए, तो वो आपने मिक्स करके एक ट्रे में, सी थ्रू ट्रे हो पायरेट्स वाली तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें सेट बड़ा अच्छा होता है, बाहर से नज़र भी आता है। सो वो आपने एक लेयर बिछा के इसको सही से दबा दिया है ताकि वो सेट हो जाए। फिर हम उसके ऊपर डालेंगे ऑरेंज जेली, जेलो बनाकर, पानी और जो जेली बनती है नॉर्मल वो आपने बनानी है, वो एक लेयर आएगी। उसके ऊपर आप व्हिपिंग क्रीम डालेंगे एंड नाइस वेजेस ऑफ ऑरेंजेस जो अभी मैं बनाऊंगी वो डालेंगे। तो अभी पहले वो आ जाए, उसके बाद पहले मीठा तैयार कर दी, इसलिए क्योंकि उसको फ्रीजर में जाना जरूरी है। ओके गुड आइडिया, सही है, आई वांटेड टू डू दैट। ये सबके लिए टिप ना भाई कि खाने से पहले मीठा तैयार कर लें ताकि
दावत में फिर साथ साथ सारी चीजें एग्जैक्टली ओके तो वो होगा तो दूसरी जो रेसिपी तुम बना रही हो वो शुरू कर रही हो अभी बस थोड़ी देर में करती हूँ मुझे चलो ठीक है मैं फिर जब तक नताशा के पास चलती हूँ नताशा जी प्लीज जो तुम रेसिपी बना रही हो उसकी थोड़ी वो बताओ मैं बना रही हूँ फिश टकाटक और इसके लिए हमने सबसे पहले ऑयल लिया थोड़ा ठीक है उसके अंदर हमने बारीक प्याज काटा हुआ था वो डाला प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट आप वहाँ बात कर रही थी तो वो मैंने पेस्ट 2 बड़े चम्मच क्योंकि ये मछली है तो इसकी एक हीक को भी खत्म करने के लिए ना हमें लहसुन अदरक की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है हाँ। वैसे भी मैं अपने सारे खानों में लहसुन अदरक थोड़ा ज्यादा डालती हूँ जरा टेस्ट मजे का आता है लहसुन अदरक से ना अच्छा फिर उसके बाद हम क्योंकि अब हो गया है टाइम तो हमने ये टमाटर को थोड़ा सा बॉईल करने के बाद उसका छिलका उतार के उसको हम लोगों ने इस तरह उसका प्योरी प्योरी बना ली बस वो बना लिया और हम ये थोड़ा सा ऐड करेंगे इसको थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देने के लिए और मज़ेदार टेस्ट देने के लिए आई थिंक 3 बड़े चम्मच खाने के लिए चम्मच होते हैं ओके वो काफ़ी हैं ये करने के बाद अभी हम थोड़ा सा इसको 2 मिनट और पकाने के बाद कि ये जो टमाटर का पेस्ट है ये अच्छे तरीके से जितने मसाले हैं लाइक ये जो लाल मिर्च है हल्दी है गरम मसाला है अजवाइन तो लाजमी होती है मछली बनाने के लिए मछली में कश्मीरी और ये भून लूंगी तो मैं मछली को ऐड कर दूंगी अच्छा इसी में हाँ मछली को ऐड करने के बाद मिक्स करने के बाद फिर मैं 5-7 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम दे के मैं इसको गलाऊंगी गलाने के बाद फिर मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने इसको फिर किस तरह से टकटक की शक्ल में लेकर वो करना जरूरी नहीं है क्योंकि तवा नहीं है हमारे पास लेकिन मैं शक्ल वैसी बना दूंगी शक्ल वैसी बना और दूसरी साइड पे हमने ये दूध रखा हुआ है बॉयल होने के लिए ये जैसे बॉयल हो जाएगा मैंने ये गाजरें उसकी रेसिपी अलग बताना ना कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि ये मछली के कटाकट में गाजरें कहां से आ गई बस गाजर वाला पुलाव खाया है उसको बोलते हैं बुखारा पुलाव मैं मुझे अगवानी पुलाव का पता है नहीं, कि उसमें गाजर डलती है अगवानी पुलाव किशमिश बादाम काजू जितने आप अमीर हैं उतने नहीं उसमें थोड़ी जो जितने डाल सके आप और उसमें कैरामलाइज करके डलती है लेकिन एक होता है बुखारा पुलाव हमारी नानी बनाती थी हमारे साइड का वो है वो भी सर्दियों में बनती ज्यादातर सर्दियों में क्योंकि गाजर का सीजन है ना अच्छी गाजरें आती हैं तो वो बहुत मजे का और वो गोश्त के साथ वो पुलाव बनता है इतना यमी होता है ना नमकीन होता है मीठा अच्छा हमारे मेरे ससुराल में गाजर का जब मौसम आता था तो इस तरह बारीक बारीक हाथ से कद्दूकस नहीं बारीक बारीक हाथ से काट के गाजर होती थी ताजा ताजा उसका बनता था अचार अच्छा ऑयल गरम करके डाला उसके अंदर भर के लाल मिर्चे अच्छा लहसुन लाल कौन सी वाली मिर्चे साबुत कुटी भी और पिसी भी अच्छा ये और इतनी मिर्चे होती थी कि वो गाजर मिर्चों में तैर रही होती थी और हल्का सा गरम गरम ऑयल उसमें डाला हुआ होता था लहसुन डाला होता था वहीं पे देन एंड देयर अचार बनता था और ये दोपहर का खाना बगैर इस अचार के गुना था हमारे ससुराल में खाना कुछ भी बनाओ ये गाजर का अचार तो बनना जरूरी नहीं कई खानदानों में मैंने कहा ये कैसा अचार है जिसके अंदर खटास नहीं है शलजम का अचार खाया कभी शलजम भी सर्दियों में आता है मेरी अम्मी शलजम का पानी वाला अचार बनाती है पानी वाला हाँ पूरा बर्नी में ना दादी बनाती थी भी डाल दो उसमें पता नहीं क्या क्या राई और पता नहीं क्या क्या चीजें बदबू आती है ना उसमें से वो जब खोलो तो कितना मजे का उसका पानी होता है शलजम का अचार सर्दियों में डलता है गाजरों का शलजम का Oh. बस मेरी क्रीम ना निकल ली नहीं निकल रही ज्यादा बड़ा वो काटो ना हो गया क्रीम भी जम गई है वो जमा अच्छा भाई अब मैं माम की तरफ आ रही हूँ माम के खाने की रेसिपी
देखा ना यम्मी. अरे बस माम को रेसिपी सुनाने दो. हाँ माम, मैं तो बड़ी आसान सी चिकन कढ़ाई जिस तरह से बनाते हैं वैसी प्रॉन कढ़ाई बना रही हूँ. हाँ. और मज़े मज़ेदार है. उसके अंदर मैं मेथी मैं कभी रिसेंट में ऐड नहीं करती कढ़ाई में, लेकिन डाल दें थोड़ी स्मेल उसकी मिनिमाइज हो जाती है अगर किसी को हीक का प्रॉब्लम हो तो. बहुत ही आसान है. धनिया पाउडर, मैं सूखा धनिया भी डालती हूँ, ज्यादा मजे का लगता है. अरे वहाँ से शुरू कर बहन, तेल डालो. हाँ, हाँ, अरे अच्छा तेल डालना बताना है. और क्या है पूरा बचपन कितना किचन शो चल रहा है. और क्या किचन शो करा. ओहो क्या मैं मेथी भी डालती हूँ. पहले एक पतीली में आप डालें ऑयल, उसे गर्म करें. जब वो यू यू होने लगेगा तो उसके अंदर आप डाल दें प्रॉन्स. यू यू जब यू होने लगेगा तो उसमें डाल दें प्रॉन्स. उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें. मैं साथ में हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक कटा हुआ जो कि बिल्कुल वो जो जूलियन कट जिसे बोलते हैं उस तरह से डाल देती हूँ ताकि थोड़ी सी अच्छी खुशबू भी आ जाए. हाँ. लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ. हाँ. उसको अच्छी तरह फ्राई कर लें. जब उसका पानी हल्का सा सूख जाए लहसुन अदरक वाला तो वो फ्राई हो जाते हैं. लोग कढ़ाई में प्याज डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं. मैंने नहीं डाला है तो उसके अंदर डायरेक्टली टमाटर डालते हैं. उससे पहले मैंने डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक. हल्दी डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नो प्रॉब्लम. हाँ. तो आपकी मर्जी होती है. सूखा धनिया भी डाल सकते हैं. मुझे सूखा धनिया बहुत पसंद है कढ़ाई में. हाँ. लेकिन सिंस आज हमारे पास उस वक्त नहीं है यहाँ पे तो कोई मसला नहीं. हम डालें तो ज्यादा बेहतर. हाँ जी, उसकी तरह अच्छा वो टेक्सचर बहुत अच्छा आता है कढ़ाई. हाँ. में तो वो डाल दें साथ में. उसके बाद टमाटर डालें, उसको हल्का हल्का भूनते रहें. उसका शक्ल खुद ही खुद निकलना शुरू हो जाएगी. जब वो थोड़ी शक्ल आ जाएगी उसमें मैं थोड़ी सी मेथी ऐड करूंगी ताकि उसकी प्रॉन की जो स्मेल है वो मिनिमाइज हो जाए. फिर उसको अच्छा देखो प्रॉन को जैसे चिकन को आप पका सकते हैं ज्यादा. हाँ. प्रॉन को ज्यादा पकाते तो वो रबड़ हो जाता है. हाँ, लेकिन तो इस बात का तुम बताओ कि वो कैसे ध्यान रखें लोग. वो आई थिंक उसका आसान तरीका ये है कि आप उसको हल्का सा अगर फ्राई करेंगे, आप उसको सौते फ्राई करेंगे, आप उसको वो वाला नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही पका के उसका भुरता निकाल दो. नहीं आप पाचा निकाल. लेकिन क्योंकि तुम पहले डाल रही हो ना प्रॉन. हाँ, फिर मसाले टप डाल रही हो तो मसालों की भुनाई के दौरान वो प्रॉन सख्त तो नहीं हो जाएंगे. आई होप नॉट. Let's see. I hope not. दुआ करनी पड़ेगी. हाँ, अब दुआ करें उसके लिए कि वो ना हो. लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो होने चाहिए. मुझे ऐसा लगता है अगर तुम प्रॉन को सौते करो और उसके बाद निकाल लो. हाँ, वो कर सकते हैं. सारी मसालों की बुनाई करने के बाद उसमें प्रॉन ऐड करके दोबारा, क्योंकि कलेजी और प्रॉन ज्यादा पकाने से रबड़ हो जाता है, उसका टेस्ट नहीं रहेगा. मैं इस टिप को नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखूंगी. थैंक यू. ज्यादा अच्छा बनेगा. जरूर. हमने कोई हजार कुकिंग शो होस्ट किए होंगे. क्या बात है, जबरदस्त. तो थोड़ा बहुत खाना पकाना आ ही गया. पकाती नहीं हूँ अब मैं. यू डोंट कुक एट ऑल. अब बस हो गई है मेरी. बहुत पका लिया. हाँ, ये बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बस हो गई, मैंने बहुत बना लिया, अब बस है. तो अब जब मूड होता है तो ओके, या फिर मियां बहुत मिनटे वाली फरमाइश कर दे फिर, वरना I don't like to cook now. अगर शेफ खान सामा अच्छा मिल जाए तो बस. तो उनको ट्रेन कर दिया बस. अच्छा बस ये ट्रेन करने में मुझे, जब मुझे उनको और नई डिश सिखानी होती तो मैं चार मरतबा उनके सामने बनाती हूँ, फिर एक दफा उनसे खड़े होके बनवाती हूँ. सही है. तो अब माशाल्लाह सब कुछ बना सकती हूँ. और हाथों का जायका आपको उनके हाथ में भी मिलेगा. नहीं खैर, मेरे हाथ का जायका अलग है क्योंकि घर की औरत के हाथ का जायका इज समथिंग एल्स. वो फिर अपने बच्चों के लिए और मियां के लिए बनाती है तो वो प्यार भी शामिल होता है. बिल्कुल. अल्लाह ना करे कोई कुक प्यार शामिल करे. हाँ, मोहब्बत ना हो जाए कहीं. अल्लाह ना करे. अजय तुम माम तुम्हारे हाथ की एक जरा ये भरभर भरभर कर ले. भरभर हो जाए. मैं अपनी बात दाया नहीं करूँ. हाँ माम, तो मैं आपसे या हमारा कुछ अलग चल रहा है. अलग चल. मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी माम. टिपिकल शोज की तरह. जी जी जी. आप अपने मियां के लिए क्या बनाती हैं, उनकी क्या फरमाइश होती है? प्यार की कढ़ाई. प्यार से दुआएं, प्यार से बुलाई लेती हूँ मैं उनकी. मियां के लिए क्या बनाती हूँ, फैजान को बहुत ज्यादा भिंडी बहुत पसंद है. अच्छा. तो भिंडी उनकी एक स्पेशल टाइप की भिंडी वो बनाते हैं, उनको पसंद है बहुत ज्यादा, जो बेसिकली उनकी भाभी की ईजाद है जो उन्होंने मुझे भी सिखा दिया है. सो आई कुक दैट फॉर हिम. कढ़ाई बहुत पसंद है, एक भुना हुआ कीमा बहुत पसंद है. अच्छा. तो ये दो तीन चीजें हैं जो वो बड़े मजे से खाते हैं, तो वाली चीजें बना ले. ओके. बाकी सारी फरमाइशें अम्मा से हो रही है. अम्मा से होती है. तुम बताओ भाई मिनाज की क्या फरमाइशी प्रोग्राम होता है तुम्हारे लिए? वो सब खाते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान है, वो सब खाते ऐसे. तो मैं भी अपने मियाँ के बारे में कह सकती हूँ, मेरे मियाँ को तो पत्थर भी उबाल के दे दो वो भी.
पत्थरों बाल के दे दो वो भी खा ले। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो यासर नवाज नहीं खाता। मैंने आज भी माशाल्लाह सिर्फ चिकन जो है वो उसने फार्मी चिकन छोड़ दिए, वो देसी चिकन खाता है। मैंने आज सब खा दिए, दुम्बा ये वो, कोई सी भी नखरा नहीं, कोई नखरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो जाहिर है, इट्स वेरी इजी। मर्द ऐसे ही होते, मुझे ऐसा लगता है जो पहले नहीं नहीं कुछ होते बड़े खतरनाक। हाँ भाई कुछ मर्द होते हैं, सालन में ना टमाटर भुना हुआ नहीं है। खाना बना के बोलती हूँ जो पक गया ना वो चुप करके खाओ, शरीफ आदमी सब कुछ एग्जैक्टली जो पक गया वो खाओ। नताशा बताओ तुम्हारे मियाँ क्या खाते? सारी चीजें खा लेते हैं वो भी, सारी सारी चीजें खा लेते हैं। और मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। नहीं उनका कोई नखरा नहीं, नहीं, नहीं है। नहीं नहीं शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है, वरना पता नहीं टेंशन होती मुझे। मैं वैसे खाने मुझे जिसकी शक्ल देख के लगता है ये अच्छा पकाती होगी। आई डोंट नो, थैंक यू, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील ऐसी तमाशा में बनाया होगा ना खाना। बहुत सब तरह मैंने ही तो बनाया है। अच्छा। मैं तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो चुकी हूँ, नताशा ने सबसे ज्यादा खाना बना के खिलाया है तमाशा में। किरण तुम बताओ जब तुम्हारे वो आते हैं तो उनके लिए स्पेशल डिश क्या बनाती है? स्पेशल एक तो मीठा मैं जरूर बनाती हूँ। अच्छा। शाही टुकड़े मैं अच्छे बनाती हूँ, प्लस मछली का सालन क्योंकि वो सी फूड लवर है, गोश्त वगैरह दे दो तो वो ज्यादा वो खाते हैं ना। हाँ। और बाकी कुछ भी हो, हालांकि उनका दावा था कि मछली मैं ज्यादा अच्छा बनाता हूँ तो मैं किचन में जाऊँगा। मैंने कहा नहीं नहीं मैं अब बनाती हूँ ना। हाँ। तो कॉन्टिनेंटल स्टाइल की कुछ स्टीम फिश है तो फिर उसको अच्छी लगी उसे। हाँ। तो बड़ी जबरदस्त बनी है। हाँ। मछली लाना उनका काम है क्योंकि वो सारी पहचान है अली को कि किस तरह की कौन सी क्वालिटी की मछली है, तो वो क्योंकि काम ही मछली के कर रहे हैं तो वो सारा कुछ। लेकिन एक हाँ सी फूड ये सारा कुछ और सारे खाने वैसे खा लेते सारे खाने। हाँ, ओके सो ये यहाँ शुक्र है मुश्किल मियाओं वाली बीवियाँ नहीं, नहीं तो हम सब अच्छा बना लेते हैं ना, हम अच्छी हाँ, बीवी ये, है। आप क्वालिटी हाँ, भी तो चेक करें ना हम सब हाँ, के अंदर माशाल्लाह अच्छी बीवी। आपको नहीं पता अभी मैं लिस्ट जरा अपने मैके वालों से मंगवाऊँ तो पता चले कि जो मर्द होते हैं इतने नखरे वाले होते हैं खाने के होते हैं। मतलब मेरी अम्मी बताती, बल्कि मेरे अब्बू बताते थे, मेरे दादा इतने गुस्से वाले थे कि वो गुस्से में कभी कभार टेबल भी उलट देते थे। ओ माय गॉड। हाँ अगर नमक तेज, एक जमाना था पहले वाले वक्तों में कुछ बड़े हजरात ऐसे होते थे कि वो गुस्से में टेबल उलट देते थे अगर दादी खाने पे नहीं पहुंची या कुछ ऐसे। सो हस्बैंड्स ऐसे भी होते हैं या रोटी गर्म ना मिले, कुछ खवातीन ये किनारे मोटे क्यों हैं, मोटे नहीं होने चाहिए। कुछ खवातीन पे जब तक उनके हस्बैंड्स खाना नहीं खा लेते ना बहुत स्ट्रेस रहता है, पता है कि उफ ये खा के जरा बस उठ जाए ये वाले। और उनको लाजमी चाहिए लंच बॉक्स भी घर से बनवा के ले जाएंगे और वहाँ पे फिर तारीफें बटोरते हैं सबकी। वो तुम्हारी तो मैंने भी शुरू शुरू में अपने मिये के दफ्तर में खाने बना बना के जो भेजे। ओह माय गॉड या अल्लाह। अच्छा वैसे आपस की बात है, मुझे ना एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का, अच्छा टाइम गुजारने का ना ये एक चीज मुझे मिल गई थी कि चलो मैं घर पे अकेली होती थी तो मैं फिर कॉल आती थी या वो इतने बंदे हैं ऑफिस में ना सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए मैं तो खाना बना के भेज दो। अब टाइम लिमिट भी है कि बस ये एक डेढ़ घंटे में भेज रहा हूँ ड्राइवर को, बस बना लेती हो बना के फिर मैं भेजती थी और शुक्र है फिर तारीफ आती थी कहते ओके अब सुकून है। तारीफ आता है ट्रेनिंग अम्मी ने की था किचन में, अम्मी ने हां बिल्कुल कि होता है एक ही एक लड़की घर में तो वो भाइयों के साथ पलती बढ़ती है तो इतना किचन में नहीं घुसती, वो भी भाइयों के साथ खेल रही होती है। नहीं मैं ज्यादा काम के लिए, फिर निदा आपको पता अकेले भी तो रही ना तो आप अकेले रह तो फिर अच्छा खाने के लिए खुद तो बनाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ता है तो वो फिर अम्मी से भी कुछ चीजें सीखी फिर जब मैं खुद बनाने लगी तो प्रैक्टिस भी होने लगी ऐसा हो जाए। अच्छा भाई चलो इसने तो कुछ टिप्स दे दी, मिल्क शेक पी भी लें और बचा हुआ लगा भी लें, जरा आप लोग भी प्लीज कुछ टिप्स दीजिए। टिप बताएं। अच्छा कलौंजी का इस्तेमाल कहते हैं बहुत अच्छा होता है तो अगर कलौंजी आप खाने में भी खाएं मोटापे को भी कम करती है वैसे तो मैंने ये सुना है, मुझे भी खानी चाहिए पर मैं खा नहीं रही हूँ एनीवे तो मैंने कहा जरा ये मैं ऐड कर दूँ ना, इससे पहले लोग बोले मुझे तो मैं खुद ही बोल देती हूँ। तो उसके अलावा अगर आप कलौंजी को दूध में डाल के उबाल के उसे पीते हैं तो आपकी टू टोन स्किन बहुत अच्छी होगी। यस यार ये तो बहुत अच्छी टिप है, कलौंजी को दूध में डाल के। हाँ जी कितनी कलौंजी आप पिंच डाल दें, हाफ टी स्पून डाल दें, डिपेंड करता है कितना आपका कप है उसके हिसाब से उसको गरम दूध हो दूध में आप बॉईल करेंगे उसके बाद आप उसको अपनी आप पिएंगे और स्किन पे लगाएंगे तो बराबर है आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। मुंह पे ना लगाएं, आप पी लें ज्यादा अच्छा है।
Oh my God, ये तो बड़ी अच्छी टिप है खवातीन। लेकिन ये सारी टिप्स जो होती हैं, निदा इन सारी टिप्स का होता है कि हम बोलते हैं तो हमने किया ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा, वो इसलिए कि इस तरह की सारी चीजें जो टोटके होते हैं वो बहुत स्लोली काम करते हैं। लेकिन यू आर डूइंग इट लाइक एवरी डे या मंथ में 3-4 दफा और 6-7 महीने तक, तब जाके वो फर्क दिखाई देता है कि कुछ हो रहा है। वरना ऐसे नहीं होता कि आपने आज किया और अगले दिन आप बोले भाई आज तो टू टोन खत्म हो गया। ये बहुत मैंने नहीं सुनी पहले, ये टिप बहुत अच्छी है। और टू टोन स्किन की इतनी प्रॉब्लम है हमारी खवातीन को, छाइयों की, ये देखो ना, ये तो लड़कियों की, टीनेज लड़कियों की ये पूरा। और ये कहते हैं कलौंजी की बात करी हो ना, हाँ जी, तो कलौंजी तो कहते हैं ना मौत के अलावा हर चीज का इलाज, उसमें अगर आप निहार मुंह भी पिंच फांक लें तो बिल्कुल। आजकल मैं मोरिंगा की चाय पी रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। अच्छा, और मैं अभी थोड़े दिनों में ऐसी दौड़े लगाने कुछ वाली लोग मोरिंगा पाउडर भी गरम पानी के साथ ही। यार हमारे घर की बहुत मोरिंगा का दरख्त लगे हुए, मैं तो वो तुड़वा के धुलवा के उसकी ग्रीन टी टाइप बना, मेरी खाला ने बताया वो कनाडा से आई है, उन्होंने कहा उनको घुटनों उठनों का दर्द था तो वो पी के हड्डियों वड्डियों, और मुझे वाकई मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो उसको पीस लेती है वो, जैसे वो लंबे लंबे से नहीं है, वो पत्ते निकाले धोए साफ किए और चाय बनाई। अच्छा, और चाय बना के एक मोरिंगा के वो जो फल भी लगा हुआ होता है ना वो लंबा सा उस तरह का, वो या पत्ते टहनी, पत्ते पत्ते पत्ते। हाँ, छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारी टिप्स और मजे मजे के खाने। मैं तो एक्साइटेड हूँ, जैसे ही शो खत्म होगा हम लोगों के यहाँ दावत है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खाने पकड़े हैं और मजे मजे के, क्या हो गया? अच्छा कुर्सी इधर रखिए। हाँ हाँ, अच्छा सब इशारे क्यों कर रहे हो मुझे? हमारे पास आज 4 किचन है, 4 सेलिब्रिटीज़ हैं, 8 खाने हैं और बहुत सारी टिप्स हैं और बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे एंटरटेनमेंट है। और क्या चाहिए सुबह सुबह? कुछ और चाहिए? आप किचन में खड़े होकर ये शो देखेंगे तो आपको अपनापन लगेगा, क्योंकि हम सब भी किचन में जी बिल्कुल है ना, सब वही हो रहा है। जैसे आप अपने हस्बैंड को भेजते हैं कि अभी ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये तुम कर क्या रही हो? मैं तो बैटर बना रही हूँ, प्रॉन्स आ रहे हैं मेरे रास्ते में। ये प्रॉन्स के का बैटर है? जी बिल्कुल। तो हम बस बाद में आएंगे, तुम क्या माखंडी क्या बना रही? अच्छा, पहले तो ये देख ले, मैंने इसमें सूखी मेथी भी डाल दी है। अच्छा, शक्ल दिखाना चाह रही हो तुम? हाँ, शक्ल देखिए, पालक और सूखी मेथी की शक्ल बन गई है। हाँ, अभी थोड़ा सा ऑयल इसका छुटेगा, भुनाई हल्की आंच पर ये हो रहा है, पानी ना डाले। ये दिखाया किसको है? कैमरे को? किसको दिखा रही हूँ, मुझे पता तो चले, ऊपर तो कोई कैमरा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे करके दिखाया था ना, ये देखिए उन्होंने। हाँ करो तो सही, वो ये रहा। हाँ, यम्मी यम्मी। अभी इसका तेल छोड़ना है, तेल छूटेगा, रंग आ जाएगा इसका, और ऊपर से सिर्फ हल्का सा चुटकी गरम मसाला डालूंगी और सर्व कर दूंगी। अच्छा, अच्छा अब ये भी तुम बताओ, गरम मसाला बाद में क्यों डालोगी? क्योंकि वो काला कर देता है ना। ओके, हाँ, खाने को काला करता है, तो काला कर देता है, और सिर्फ ऊपर से, कुछ लोग नहीं भी डालते, मैं थोड़ा सा डाल देती हूं। उससे क्या फायदा होता, जरा तेजी आ जाती है मसाले का। हाँ हाँ, एक अलग फ्लेवर आएगा, वो खुशबू आएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर पिसा हुआ नहीं डाल रहे ना, तो आप लोग दालचीनी का टुकड़ा और 1-2 गोल मिर्च वो डाल दें जिस वक्त आप प्याज और वो कर रहे हैं, तो मुझे वो कभी मुंह में आ जाए अच्छा नहीं लगता, तो मैं पिसा हुआ थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपने हलवे पे, इससे पहले के वो जल जाए मैं ये डाल दूँ। अच्छा, मैं इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। इसमें 1 कप मैंने जो है वो क्या लिया था, हाँ 1 कप दूध और 1 कप सूजी को आपने घोल लेना है, भिगो देना है सूजी को, ठीक है? हाँ, मैं इसमें लग गई ना ज़रा सा। हाँ 1 कप सूजी और 1 कप दूध को मिक्स कर लीजिए आप, उसको 5-10 मिनट के लिए वो फूल जाएगी, उसको साइड कर लीजिए। आप एक कढ़ाई में 1/2 कप घी ले लीजिए, फ्रेश घी, और उसमें आपने डालना है 1 कप गुड़। एक पिसा कप क्या? गुड़ गुड़ गुड़। ये जैसे ये गुड़ है ना, ये तो साबित पीस है ना इसके, ठीक है? इसको आपने पीस लेना है। हाँ। तो ये खास सर्दियों में आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और आप गुड़ की भुनाई करेंगे तेल में, उसको पकते रहने देंगे। जब वो तेल छुटेगा ना, गुड़ खुद ही कैरमलाइज हो जाएगा। ओके। जैसे ही वो छुटेगा, आप फिर ये सारा मिक्सचर डाल दें इसमें, जो आपका सूजी और दूध का था। हाँ। और इलायची डाल दें थोड़ी सी, और ऊपर से बादाम पिस्ते से गार्निश कर लें। तो ये बहुत मजे का सूजी का जल्दी भी बन रही है, बहुत जल्दी, बहुत। इसका नाम दोबारा क्या था? दोबारा माखंडी हलवा। माखंडी हलवा, एक दफा और बता दे बहन। ये खास ना सर्दियों में पंजाब की साइड पे बनता है। तुमने खाया माखंडी हलवा? नहीं।
है, ये कैसे हो सकता है? नहीं मैंने नहीं खाया। अच्छा सुनो, एक दफा रिपीट करो, जल्दी जल्दी से बता दो दोबारा। इसकी जो क्वांटिटी है ना, एक कप दूध है, एक कप सूजी है, इसको भिगो दे सूजी को एक कप दूध में, साइड कर दीजिए। कढ़ाई ले लीजिए, उसमें हाफ कप घी ले लीजिए और एक कप गुड़ ले लीजिए। घी में गुड़ को पकाते रहिए जब तक तेल ऊपर छूट ना जाए, आपको लगे कि गुड़ अच्छे से पक गया है। उसके बाद में इलायची डाल दें और ये जो दूध के साथ सूजी वाला मिक्सचर है वो डाल दें और इसकी ये स्टेज आएगी। अब इसको आप भुनाई करते हैं। अच्छा, रंग जरूर दिखाओ क्योंकि ये काफी ब्राउन है, क्योंकि ब्राउन होना चाहिए, बिल्कुल ब्राउन ही, बिल्कुल ऐसे ही होगा तो हमें मतलब लाइक ताकि पता हो। इसमें सूजी को भुना नहीं, ये आपको दिखने से जो है वो जो अखरोट का हलवा टाइप है वैसी लुक आ रही है। हाँ, ये थोड़ा सा और फूलेगा पकेगा, हल्की आंच पे मैं रखूंगी, इसकी शक्ल देखना जैसे सूजी के हलवा होता है लेकिन डार्क कलर का होता ही, डार्क कलर का ये। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है डार्क कलर का। ठीक है, डन डन। ओके, नताशा के पास चल रहे हैं हम, उसका टकाटक देखने, मछली का टकाटक। जी जी नताशा बताइए, क्या रेसिपी दोबारा बतानी है मुझे? नहीं, वो टकाटक कैसे बनाया आपने बोला, मैं बाद में बताऊंगी कि टकाटक। अच्छा हाँ, मैंने फिश तक तो बता दिया था आपको कि फिश तक हमने ये किया कि जब हमने सारा अपना मसाला बना लिया, सारे मसाले डालने के बाद मसाला भुन गया, तो हम लोगों ने फिश जो है उसके फिले थे, फिले सारे हमने डाले अपने मसाले के अंदर और उसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दिया। उसको हमने गलने के लिए छोड़ दिया और फिर थोड़ी देर के बाद हमने उसका ढक्कन उठाया, थोड़ी आंच दोबारा से हमने तेज़ की और उसको हमने कटाकट की शक्ल बनाने के लिए कि मछली उस तरह से कीमा भी ना बने और अच्छे तरीके से उसके छोटे छोटे पीसीस भी हो जाएं। वो पीसीस करने के बाद मैंने चाट मसाला 1 चम्मच डाला। 1 चम्मच ऊपर डालने के बाद मैंने ये जो गार्निशिंग इसकी धनिए और हरी मिर्चों की थी वो भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप दोबारा खाना बनाने के बाद ढक्कन वापस रखते हैं हांडी का, तो जो खुशबू होती है हरी इसके धनिए की और हरी मिर्चों की, वो खाने के अंदर जज्ब होनी ज़रूरी होती है, वरना उसका टेस्ट नहीं आता। तो मैंने ये किया था। अब मैंने जब उसको दोबारा निकाला है तो मैंने चाट मसाला दोबारा ऊपर से हल्का सा दोबारा से स्प्रिंकल किया है और ये हरी मिर्चें और धनिया। ओके, अब ये मज़ेदार खाना बन चुका है। ओह, और ये गजरेला भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। गजरेले की रेसिपी तो रेसिपी मैंने बतानी है अभी। रेसिपी ये कि आप लें जी, अगर आपने 1 लीटर में गजरेला बनाना है, 1 लीटर दूध आप लें, आप उसको उबालें। उबालने के बाद जितनी गाजर आपने कद्दूकश की हुई है, आप उस गाजर को जब बॉयल हो जाए दूध, तो आप उस गाजर को उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए फुल आंच पे पकाने के बाद उसको छोड़ दें 5-10 मिनट के लिए, दोबारा हल्की आंच पे ऊपर ढक्कन रख के, कि गाजर जो है वो ज़रा नरम हो जाए। जब गाजर नरम हो जाए तो उसके अंदर आप हसबे जायका चीनी, मतलब मैंने अभी इसमें 4 छोटे वाले चम्मच डाले हैं क्योंकि मैं कम चीनी शायद पीती हूँ, अगर किसी को ज़रूरत हो तो, आई एम सॉरी। अच्छा, मैंने चीनी डाल दी, फिर उसके बाद थोड़ा उसको और पकाया, फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर ऐड की क्रीम और खोपरा। अच्छा, क्रीम और खोपरा ऐड करने के बाद मैंने उसको पकाया और दरमियानी आंच रख के चम्मच हिलाते रहना है बस, उसको आपने छोड़ना नहीं है। जहाँ छोड़ा वो गुठलियाँ सी बननी शुरू हो जाती हैं, तो ये थोड़ी ज़रा मेहनत होती है गजरेले में। तो फिर आप जब ऐसा कर लेते हैं तो फिर मज़ेदार ऐसी शक्ल बनती है इसकी। गाड़ी बादाम जो है वो इस्तेमाल, नहीं वो नहीं वो मेरे बादाम थे, नहीं वो मेरे बादाम, मेरी यहाँ पे लड़ाई हो गई, अभी लड़ाई हो गई पड़ोसियों में, लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। ये लो, तो आइए हम दूसरे पड़ोसियों की तरफ चलते हैं। रहेगी ना वो जो इल्ज़ाम लगा मेरे पे, बादाम और भी अपने बादाम और पिस्ता जो है वो मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था, वो मैंने ऊपर से इसमें गार्निश कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो गई है। एटलीस्ट शक्ल दिखाया ना, कितनी प्यारी लगी। मेरे चूल्हों का क्या सीन है? तेज कैसे होगा ये तो हो गया। ये तुक्का है, तुक्का तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है। बहन अच्छा सा बादाम का काम पूरा हो गया तो थोड़ा यहाँ दे दे। ये पड़ोसन बहन थोड़े से बादाम नहीं बोल रही है, थैंक यू। आपकी कढ़ाई बन गई? हाँ जी। वाओ। अच्छा भाई देखो, सच्ची बात है, जब हम छोटे थे तो ऐसा हो नहीं सकता कि फ्रिज खोल के किचन में जाके कोई चीज चोरी करके ना खाए। छोटे थे क्या, मैं तो अभी भी अपनी अम्मी के घर में, अपने घर में मेरा तो फेवरेट हॉबी है ये, फ्रिज का दरवाजा खोल के देखती हूँ हर थोड़ी देर बाद क्या है अब, क्या नया। सीरियसली तो अब बताएं जरा, किरण आपका शुमार किन चोरों में होता है? मैं शायद पहले भी बताया था, हमारी एक आंटी थी, उनकी ट्रैवलिंग बहुत रहती थी, तो वो जब भी बाहर से आती थी ना तो उनके वो चॉकलेट्स और स्वीट्स और मज़े मज़े की चीज़ें जो ना फ्रिज में रखी रहती थी। तो हम लोग बिल्डिंग में रहते थे कज़न्स के पास, जब खेलना होता था उनके घर घुस जाते थे ऐसे खोल के, ना आ तो नहीं रही है जफर भाजी, आ तो नहीं रही है।
ऐसे फ्रिज खोल के ना, तो हम लोग हाँ जल्दी से ये वाला ले लेते हैं, खा के ना रैपर को भी बाहर फेंकते थे ताकि उनको पता ना चले. जब ये हरकतें उनको पता चली तो उन्होंने ना ताला लगाना शुरू कर दिया. वो फ्रिज था चाबी वाला, तो आप उसको लॉक लगाते थे वो खुलता ही नहीं था. तो हर बार हम जाए आई यार लॉक है. तो ये चोरी ये बातें याद रह जाती है, बड़ा मजा आता है. हाँ तो नताशा आप का शुमार किन चोरों में होता है? नहीं मुझे चोरी करने की कभी आदत नहीं पड़ी क्योंकि सारी चीजें खुद ऑलरेडी मेरे पास मौजूद होती थी. लेकिन मैं अपनी अम्मी का घर से निकलने का वेट करती थी कि जैसे ही जाएंगी ना मैं उनका मेकअप करूंगी. तो उनका किचन से कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हें उनका मेकअप? तो बिल्कुल भी नहीं था. छोटे होते मैं कहती थी बस वो अम्मी की बड़ी बड़ी वो हील्स वाले जूते जो मेरा पाँव कहीं आगे चला जाता था और इतनी पीछे जूता खाली होता था वो पहन के और अम्मी का दुपट्टा साड़ी बना के और मैं लिपस्टिक और मेकअप. बस तुम अम्मी के वार्डरोब में घुसती? मैं अम्मी के किचन में नहीं, नहीं वार्डरोब में घुसती थी कि बस मैंने मेकअप करना है ना. ओए अल्लाह, कोई तुम्हारे पास तस्वीर नहीं है बचपन की जिसमें तुमने वैसा बेहुदा सा मेकअप किया? बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी. मैं आपको किसी नेक्स्ट शो पे लेकर दिखाना है. हाँ भाई महब. हाँ जी. तुम्हारा शुमार किन चोरों में होता था? किचन वाले, किचन चोर? किचन वाले में तो नहीं, एक्चुअली मुझे बर्फ खाने का बड़ा शौक था. फ्रिज निकाल के बर्फ. यस ये वाली शरारतें भी तो होती है. तो वो वाली बड़ी होती थी कि बर्फ खानी है और साथ में अम्मी के परफ्यूम्स. अच्छा वो अभी तक है. मेरी अम्मा बोलती हाँ लगाओ बेटा सब लगाओ, क्या करोगे लगाओ, आओ अपने तो लेकर नहीं आती, आके हमारे लगाओ. और पूरे यूं लगते हैं ना मेरे बच्चे और मेरे मियां चुराते मेरे परफ्यूम. तो परफ्यूम अच्छा मैं अम्मा के घर में चोरी नहीं होती, अम्मा के घर में अपना होता है. अम्मा के घर में कोई चोरी नहीं होती, सब अपना है. अच्छा मैं अब अपनी अम्मी की ना चीजें यूज नहीं करती, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ अम्मी के कमरे में घुसती हूँ ना, बस ड्रेसिंग टेबल के आगे जरूर खड़ी होती हूँ. ये पुराने आदत है. वैसे देखो तो अम्मी कहती है बस कर दे इधर हो जा कोई चीज ना. अच्छा नहीं ड्रेसिंग टेबल से ज्यादा ना अलमारी जब खुलती थी ना तो देखो और क्या क्या है और क्या क्या है, बहुत होता था. नानी की भी मैं ऐसी करती थी, नानी खोलती थी वो चीजें इतनी संभाल के रखती थी और एक अलग महक आती थी वो जब अलमारी. अट्रैक्शन होती नानी. पता नहीं क्या अभी तक अम्मी की चीजें ड्रेसिंग टेबल जो ना वो मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है. अच्छा उनकी चीजें आई स्वेयर मैं जब भी जाती हूँ यूं खड़ी होकर देखती हूँ क्या 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 रखा है. वाओ यार ये तो बड़े मजे की बात है. हाँ भाई एक लड़की किचन में खो चुकी है. इसलिए क्योंकि ये अब बन गया, अब ये वापस फिर में जाएगा उसे, मतलब उसे दुनिया और किसी से कोई लेना देना नहीं है. वो डेडिकेटेड कुक बन गई. आई लव कुकिंग, आई एंजॉय इट. हाँ मेरे लिए थेरेपी है. अच्छा पहले तुम अपनी प्रॉन की रेसिपी तो बता दो अब. अच्छा प्रॉन की रेसिपी ये है कि हमने इसमें डाला है चल रहा है ना ये शो, सोया सेका, अदरक लहसुन, चिली पेस्ट, और आपने डाला है क्रश चिलीज, और आपने डाला है सॉल्ट, और आपने डाला है पेपर, और उसके बाद आपने एक अलग से बैटर बनाना है. नहीं लेकिन मैदे में डाला है? किसमें डाला? नहीं मैदा अलग, वो बैटर ही बता रही मैं आपको. आपने लेना है एक कप मैदा, उसमें दो टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लावर डालनी है, सोया सॉस एंड सॉल्ट. दो टेबल स्पून क्या डालनी है? कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर ठीक है. उसके बाद एक अंडा, और आपने फिर इसको एक बैटर की फॉर्म में बना लेना है. ओके यू डिप योर प्रॉन्स इन इट एंड यू फ्राई देम, दैट्स इट. अच्छा मुझे नहीं समझ आई तो दोबारा बताओ. इतने आसान तरीके से मैंने ऑयल डाल के बताया. ऑयल डाल के क्या होता है? ठीक है अच्छा आपने लिए प्रॉन्स, ठीक है उसमें आपने अदरक लहसुन पेस्ट डाला, ठीक है सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, क्रश चिली, पेपर, सॉल्ट, ये सब डाल के आपने थोड़ी देर मैरिनेट कर दिया. ठीक है फिर आपने एक बैटर बनाया अलग से. आपने मैदा लिया एक कप, दो टेबल स्पून में आपने कॉर्नफ्लावर डाले, सॉल्ट डाला, सोया सॉस डाला, एंड देन एक अंडा, वो मिला के ठंडे पानी में घोल लिया. ओके ठीक है. नाउ यू डिप योर प्रॉन्स इन इट एंड देन यू फ्राई इट. ओके दैट्स इट. और एक मैंने सॉस बनाई है इसके साथ, जैसे आजकल बड़ी डायनामाइट चल रही है. ओह यस. सो आई मेड अ सॉस विद इट. इसमें मेयोनीज है, थोड़ी हॉट सॉस है. वैसे सिराचा डालते हैं, मेरे पास हॉट सॉस ही, तो आई यूज हॉट सॉस. वैसे नॉर्मली सिराचा और मेयोनीज को मिला लो तो वो डायनामाइट. एग्जैक्टली डायनामाइट का बन जाता है. सो दैट्स अबाउट इट. सिंपल सॉस बस. यप डम 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 डम. क्या बात हाय हाय बना लो. किसकी रेसिपी रह गई? कश्मीरी चाय. अच्छा जी और सुनो तुमने बताया नहीं कि तुम क्या चोरी करके खाती थी अपनी अम्मा के मैं पास. पिस्ते. पिस्ते फ्रिज में पिस्ते पड़े हो और वो फ्रिज में ना पिस्ते हो. कौन रखता है? अम्मी रखते. मेरी अम्मा भी रखती. मैं भी रखती थी, अब तो नहीं होता फ्रिज में. और इलायची.
इलायची का बहुत शौक था और ये दोनों चीज़ें बहुत गर्म होती हैं हाँ। तो मुझे मना था क्योंकि मैं दो तीन बार जॉन्डिस हो चुका था तो मम्मी मना करती थी गर्म चीज़ें खाने से वो हाँ। सोती थी और चोरी होती थी इलायची हाँ ओ, ये दो चीज़ें सब तुम लोग सब अलग अलग चीज़ों के चोर आप क्या निकालती थी फ्रिज से चॉकलेट्स चॉकलेट मैं तो सबसे बड़ी चोर थी भाई हमारे यहाँ चॉकलेट्स का ना हिस्सा बकरा हो जाता था तीन बहन हाँ, भाई ने हिस्से खा के दूसरों के हिस्से चुरा तो मैं सबके खा के मेरे साथ भी यही था भाई ने फिर छुपाना शुरू कर दिया हाँ। था। और जहाँ वो छुपाता था वो भी मैं ढूंढ लेती थी कुछ ना कुछ तो और फिर मेरी अम्मा ने पहले भी बताया है फिर मेरी अम्मा उगलवाती कैसे थी वो ऐसी थानेदारनी बनती थी कहती थी मैं मलीर वाले बाबा के पास बताया उन्होंने कहा कि तुम्हारी जबान काली हो जाएगी अगर तुमने ये खाया होगा तो यस अगर वो इतना पूरा एम्बियंस पूरा ड्रामेटिक एम्बियंस क्रिएट करती थी कि वो मैं खुद ही उगल देती हाँ मैंने खाई थी तो आपकी आपकी पॉकेट मनी भी तो कभी खत्म नहीं होती थी इनफैक्ट आप उधार देती थी बाकी बहनों को याद है दो दो रुपए अब्बू के वॉलेट नहीं अब्बू का वार्डरोब में एक जगह थी जहाँ वो सारे खुले छुट्टे पता नहीं किस फकीरों को देने के लिए रख ले होते थे हम यहाँ फकीर हम चुराते थे ये मैंने एक बार 5 रुपए चुराए थे अम्मी ने इतना जलील किया मुझे चोरी की फिर पता चला जब तो मैं भी बहुत जलील हुई माशाल्लाह बहुत बेइज्जती हुई मैंने कहा नहीं यार चोरी का गेम ऑफ है जब मुझे भी पता चला तो मैं भी बहुत जलील हुई थी फिर बहुत छूट गई फिर आदत बहुत बेइज्जती की थी अच्छा हुआ क्या आदत छूट गई क्योंकि मेरी तो एक दोस्त थी वो हमारी बारबी के कपड़े चुरा के ले जाती थी दूसरों के घरों में चुराती थी वो अच्छा। उसको चोरी की आदत थी हाँ, हाँ, कुछ बच्चों को बीमारी होती है ये एक्चुअली डिसऑर्डर है हाँ। हाँ, ये तो डिसऑर्डर और मैंने उसकी पैंट में से निकाली उसे पैंट में छुपाए हुए थे सीरियस थी वो जो की तो उसकी पैंट में से मुझे नजर आया बारबी के कपड़े बारबी का रिबन मुझे नजर आया तब मुझे पता चला मैंने उसकी रिबन खींची यूं करके और निकलते आए उसको खुद भी नहीं पता चला मैंने उसके पीछे पैंट में से निकाला नहीं तो उसको पता तो चलना चाहिए था चला मेरी अम्मी गई उसकी अम्मी के पास और मेरी अम्मी ने उसकी अम्मी से बहुत छोटे छोटे थे हम लोग उन्होंने कहा देखे कोई बात नहीं निदा को भी घर में चोर है हाँ कह लेंगे निदा को भी घर में अपने अब्बा के पैसे चुराने की आदत थी आप इसकी आदत खत्म करें क्योंकि उसकी अम्मा ने खुद एक बक्सा बनाया था जहाँ सब चोरी का अल्लाह तो उन्होंने वो छोड़े नहीं थी इनफैक्ट परचून की दुकान पे जब वो मेरे साथ गई खरीदने शॉपिंग करने तो वहाँ पे उसको चॉकलेट का वो जो नहीं सैंडविच बिस्किट ब्राउन वाला होता था वो चुराते हुए दुकानदार ने पकड़ लिया चमाट मार नहीं आदमी नहीं मार सकता फिर मैंने उसकी अम्मा को जाके और मुझे इतनी अक्ल नहीं सब लोगों के सामने उसकी अम्मा को जाके शिकायत लगाई सुनने सुनने आंटी आंटी आपकी बेटी ने ना ये बिस्किट चुराया है अब उसकी बजाय उसकी अम्मा अपनी बेटी को डांटती मुझे डांट रही है तुमने मेरी बेटी की बेइज्जती की सबके सामने अच्छा। फिर मेरी अम्मी आई अच्छा। मेरी अम्मी ने कहा कि देखिए बजाय इसके कि आप अपनी बच्ची को समझाएं हाँ निदा ने सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था बच्चे हैं ये लेकिन बजाय इसको आप समझाएं कि इसने गलत किया आप उल्टा मेरी बेटी को ही डांट रही हो नहीं पहले पड़ोसन ने लड़ रही होती थी बच्चों के खाते बच्चे तो ये हमारे साथ भी हुआ है हमने कुछ काम ऐसा किया ऐसी चीज तो फौरन से बताया अच्छा किरण आपने आज तक कुछ चुराया किरण अपनी चोरी की दास्तान सुनाने वाली है तो कहीं मत जाएगा एक ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान खाने बनने के बाद रौनक देखिए जरा हम सबके चेहरे पर है ना ऐसी रौनक हो गई है ना ये खाना यार वैसे सुबह सुबह जब कुकिंग हो जाए किचन साफ हाँ आप साफ सुथरे तैयार हो गए सीरियस बैठो क्योंकि मैंने नोट किया है खवातीन तभी खाना बनाती हैं जब बच्चे आने वाले होते हैं एक अजीब सा क्योस मचा हुआ होता है हड़बड़ी मची होती है सब
कर करा के तैयार, एक बोझ उतर जाता है ना पूरे दिन भर का खाना। नहीं लेकिन वो मसला भी तो यही है जो आप कह रही है ना कि वो खवातीन ये करती हैं कि वो बना के रखती हैं टाइम के, बस कोई आने वाला होगा तो फिर मैं बनाऊंगी, वो एक्चुअली बोझ ही समझती हैं। हाँ खाने को कभी खाना बनाने को कभी बोझ नहीं समझो, एंजॉय करके बनाओ, इतना मजा आता है खाना बनाने में। दिन को नताशा रोज बनानी पड़ी फिर पता चलेगा, रोज ही बनाता हूं, रोज बनाती हूं भाई मैं, क्या हो गया? हां मैं रोज बनाती हूं। चले आए अब आप टेस्ट तो करें खाना। आप टेस्टिंग मुझ पे होगी क्या? मैं गिनी पिग हूं या मैं कोई एक्सपेरिमेंटल माउस हूं? हां जी पहले ही मैं अभी रो रही हूँ कि पता नहीं मैंने कल क्या खा लिया, मेरे पेट नासाज है। नहीं होगा नासाज, हमने साफ नहीं, नहीं भाई मैं प्रॉन नहीं खाती, बहुत अच्छा खाना बना रही हूँ। यस मैं प्रॉन नहीं खाती। और होता क्या, आज रात की बात मैं सबको बता दूँ, हम किसी शादी में जाते हैं तो यासिर को नहीं अच्छा लगता बहुत सारे प्रॉन अपने पेट में जमा करना, तो कहता है तुम रख लेना मैं ले लूंगा। तो आप प्रॉन्स नहीं खाती? मैं प्रॉन्स, आप सी फूड नहीं खाती या प्रॉन्स नहीं खाती? मैं मछली खाती हूँ बहुत शौक से, और ज्यादातर मछली ही खाने की कोशिश करती हूँ। क्रैब्स भी नहीं खाती? क्रैब्स सिर्फ मैं वो खाती हूँ, वो वाले लॉलीपॉप्स नहीं, वो जो मशरूम्स के अंदर नहीं भरे हुए होते, समझ गई ना आपका? यस तुम लोग क्या क्या नहीं खाते हो? प्रॉन्स का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, तंपूरा प्रॉन्स हुआ कभी कभार ऐसी चख लिया। मैं सिर्फ डायनामाइट प्रॉन्स एक सर्टेन रेस्टोरेंट का खा सकती हूँ। अच्छा बस वो बाहर वाला जो है। मैं झींगे की बिरयानी खा सकती हूँ, झींगे चावल जो बनते हैं वो खा लेती हूँ, उसमें प्रॉन्स। अच्छा मेरा सी फूड का, मेरा सी फूड का ये सीन है कि आई लाइक द फ्राइड या इस तरह का हो गया, वैसे जैसे चीज में किसी में फिल्ड इन हो तो वो ठीक है। आई डोंट लाइक द चावल सालन एंड स्टफ, यस आई डोंट लाइक, आई खा लेती हूं स्पेशल ग्रिल्ड। हां ग्रिल्ड फिश इज ओके समटाइम्स, लेकिन अगर बहुत सारा लेमन और मसाला हो तो आई लाइक ग्रिल्ड फ्राइड, आई लाइक योर हां मी टू, दाल चावल के साथ मछली का फ्राइड। अच्छा मैं प्रॉन्स खाती हूं, मैं फिश डरते भी नहीं खा सकती हूं बिकॉज़ मुझे स्पेसिफिक किसी एक फिश से एलर्जी है, तो वो मैं ढूंढ नहीं पाई हूं, तो वो जब से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो मैंने उस तरह से फिश को एंजॉय करना छोड़ दिया। खाती तो क्या होता है मुझे मेरी स्किन के ऊपर रेड रेड धब्बे से होने शुरू हो जाते हैं, इचिंग शुरू हो जाती है बॉडी के ऊपर। लेकिन हाँ दो ऐसी फिश है लाइक रेड स्नैपर और अमेरिकन सी फिश जो है, ये खा के मैं खा सकती हूँ। हाँ यार इससे नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा अगर मैं खाऊं तो मुझे डर लगा रहेगा यार मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो यू नीड टू नो, मैं खाती हूं एंड आई लव लॉबस्टर्स, मेरी तो फेवरेट है पॉम्फ्रेट, पापलेट जिसे उर्दू में कहते हैं वो मेरी, हालांकि उसमें इतने कांटे होते हैं लेकिन मुझे उससे ज्यादा लजीज फिश और कोई नहीं लगती। जूसी, बहुत वो मजे बहुत, बहुत, मजे जूसी। बहुत मजे की होती है वो, और हमारे घर में बनती भी बहुत मसाला लगा। मेरा एक ही रूल है, फिश अगर खानी है अम्मा खुद ही निकाल के दे दें। अम्मा के घर में अम्मा निकाल के देती थी, कांटे निकालने में गले में फंस जाएगा वो वाले दहशत होती, या तो फिर हो ना बिल्कुल मुझे फिश बिस्किट्स हो वो आसान है। यहाँ पे मेरी जेठानी निकाल के देती है मुझे फिश, मुझे कहते तुम फिश नहीं खा रही, तो मैंने उनको एक दफा बता दिया ना, मैंने कहा मेरा ये मसला मैं बोलूँ अच्छा थोड़ी लगेगा आप निकाल के दे दे, तो उसमें अलाउ मैं निकाल देती हूँ, तो वो हमेशा अपने बच्चों की दो प्लेटें डालती है फिर मेरी प्लेट में कांटा फंस चुका है गले में। अल्लाह अच्छा आपको पता है जब कांटा फंस जाए तो क्या करना चाहिए? डबल रोटी खाई, रोटी 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 होता नहीं वाला बनाता है वो भी खा के सिरका, सिरका इज इट। अरे मेरी अम्मा सिरका क्या, सिरका क्या, सिरका भी ले चम्मच पी ले, फिर भाई ने पार्सिप डाल के निकाला। वाकई जी हाँ, ये मुझे अभी उस वक्त जब गले में फंसा है क्या पीने का कैसे वो दिमाग में आएगा? अरे रोटी भी तो खाने का भी होना है। मैंने तो सब ट्राई किया था, डबल रोटी रोटी क्या करो चुप रहा है क्या करो। अच्छा फिर भाई ENT स्पेशलिस्ट है तो उसके पास ना वो था औजार था फॉर्सिप था, उसने मुंह खुलवाया और दिख रहा था यहाँ पे निकाला, थोड़ी सी खराश हुई बस क्या है, फिर सही था। हाय मेरी सास की हड्डी फंस गई थी, सीरियसली हड्डी फंस गई थी, जब तक डॉक्टर के पास गए तब तक वो सबर किए बैठी रही, मतलब लाइक ऐसा भी होता है किसी के बारीक बारीक नहीं हड्डी होती जो मुंह में चूसते भी हैं, और वो हड्डी फंस गई थी कांटा टाइप। तो मेरे मतलब लाइक जब मेरी शादी वादी नहीं, तो मेरे मियाँ बताते मेरी अम्मी इतनी सबर वाली है, वो इंतजार में बैठी रही बेचारी घरेलू टोटके किचन से उठा के तुम लोग अपना घर में इलाज कर लेते हो, सेल्फ मेडिकेशन किससे कर लेते हो? देखिए एक बहुत इजी ग्लो के लिए है टोटका, कि आपने हल्दी ली, थोड़ा उसमें मैदा डाला, लेमन जूस डाला, थोड़ा सा पानी डाला, पेस्ट बनाया, मुंह पे लगाया, कीप इट फॉर हाफ एन आवर, वॉश इट,
चमकती हुई त्वचा। हमारे हमारे घर में एक टोटका है जो मेरी अम्मी ने बताया, ये कुछ स्किन वायरस से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये आपके गट से रिलेटेड है। जब अच्छा। आपको बहुत मुश्किल हो कि आप बहुत कोशिशों के बाद भी बाथरूम नहीं जा पाए, कॉन्स्टिपेटेड हो और तकलीफ दे, कुछ मिर्चे खाई हुई हो, तो आप लौकी टू एनिमेटेड आई डिड नॉट वांट टू इमेजिन दैट थैंक यू आपके गट को सूद करने के लिए लौकी, कच्ची लौकी का जूस निकालें, जूसर में डाल के उसका डेढ़ ग्लास एक ग्लास नमक काली मिर्च डाल के पी लें। मैं दोबारा बताऊं, आपके पेट में मसला चल रहा हो, आपने मिर्ची अच्छा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी बताया, बड़ा सीरियस मसला है वैसे, मैंने जल्दी बताया, लोग दुआएं देंगे, मेरी अम्मी का ये नुस्खा है और उनको दूर दूर से लोग दुआएं। और एक नुस्खा मैं देना चाहती हूँ, क्या आजकल स्किन टाइटनिंग के लिए पता नहीं लड़कियां इंजेक्शंस भी खवातीन लगवाती हैं, पता नहीं क्या करती हैं, तो घर का एक बड़ा अच्छा टोटका है आजकल, वेदर भी है, कीनू भी आए हुए, कीनू का छिलका, ओ यस, उसके ऊपर शुगर सिरप लगा के अपनी स्किन पे उसको रब करें 15-20 मिनट और छोड़ दे, स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है, मैंने खुद भी किया है, शाइनी भी हो, शाइनी भी हो, विटामिन सी है इतना सारा, मजेदार जबरदस्त के छिलके में, गुड आइडिया। आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, मैं बताती हूँ, मैं हादिया के साथ जरूर करती हूँ और ये वाकई आजमाया हुआ है, छोटे बच्चों को अक्सर सीना जकड़ जाता है ना मौसम चेंज होता है, अब मैं न्यू मॉमी हूँ तो ऑब्वियसली 2 साल पुरानी हो गई, लेकिन हादिया से बच्चों के टोटके की बातें होती है, नहीं ऑनेस्टली इट्स वेरी गुड, जो बड़ी वाली काली इलायची होती है ना उसको आप बीज निकाल के उसको तवे पे सेक लें, जलाना नहीं है सेकना है, उसका पाउडर करके उसको 1 टीस्पून हनी के ऊपर डाल के वो खिला दें, लिटरली बच्चे का सीना साफ हो जाता है, ही वॉमिट्स और ही बड़ी वाली जो काली काली इलायची है, एक से दो ले कड़क करें उसको, उसको निकाल के उसके बीज उसको तवे पे सेक लें, जब को लगे वो सिक गया, भुनी भुनी स्मेल आने लगे, उसको आप उतार लें, उसको पीस लें उसी वक्त, क्योंकि वो हार्ड बीज को ना, बीज को इलायची के छिलके को नहीं, उसको सिर्फ आप बीज निकाल के सेकेंगे, उसके बाद उसको हनी में मिक्स करके उसके पाउडर को वो खिला दें, तो या तो वो बलगम सारा वॉमिट के थ्रू निकल आता है या फिर सारा क्लीन एक्चुअली वर्क्स, मतलब वो खांसी तो हो रही होती है ना, सीना डिपेंड करता है कि कैसे निकले, हाँ इतना ज्यादा सीना बच्चे तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आपका बच्चा जैसे निकालना चाहे निकाल, लोग नाश्ता कर रहे हैं हम कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं ना तो पर हेल्दी बातें करें, इट इज नॉट डिस्गस्टिंग, इट इज वेरी हेल्दी, सीने से बलगम निकालने की ये टिप है, बचपन में मुझे याद है मम्मी ने मुझे अदरक काली मिर्च यस दैट आल्सो और शहद खांसी के लिए, और जो मैंने उल्टी की थी उसके बाद से मैं अदरक ऐसे नहीं मुंह में खा सकती, शहद खाली अदरक भी वो बड़ा मुश्किल होता है, लगता सब कट गया मुंह में, लेकिन खाली अदरक का टुकड़ा भी अगर आप चबाते हैं तो आपकी आवाज क्लियर। अच्छा जी, हमारे बाल सर्दियों में कितने रूखे और ड्राई हो जाते हैं, मेरे पास एक और आया जी, अर्ज किया है इस साल, जिन जिनके ड्राई हो सबके ड्राई होते हैं, हमारे तो हो ही जाते हैं। अच्छा हम तो शोबिज के लोग हैं तो हम लोगों ने तो रोज अपना बालों में कोई ना कोई स्टाइलिंग करनी होती है, आजकल की लड़कियां, मेरी भतीजियाँ, मेरी कजन, सारी जितनी छोटी टीनेज बच्ची है सब रोज आयरन करती हैं बाल, कॉलेज स्कूल जाने से सही कह रही हो, गंजे हो जाएंगे सारे, दे डोंट रियलाइज इट, ब्लो ड्राई, आयरन, डाइसल, या एवरी स्ट्रीक, स्लो लाइट, सब कुछ, हां बालों के दंड आए, हम तो देखा ना कैसे रिबन बना के चुटिया बना के जाते थे, बाबे लग रहे होते थे, आंखें आगे, अम्मा इतनी जोर की बनाती थी परांदे बना के, मैं तो ऐसी बेल बतौड़ी बन के जाती थी, मांग निकाल के परांदे बांध के डबल करके रिबन, मुझे मैं सोचती हूं मैं कितनी पागल थी, क्या लंबे भी होते थे, यू हैव टू शेयर द पिक्चर, do you want to right now, नहीं आप मतलब मिलेगी भी नहीं, जला दी गई सारी तस्वीरें, नहीं पता है मैं, हम ये बात अभी कुछ रिसेंटली मेरा टोटका तो बीच में है, सॉरी यार मतलब तुम लोग अपनी बातें, सॉरी तो वो जो बालों में बालों पे चले जी, बालों में जो एक रूखापन आ जाता है और शाइन खत्म हो जाती है, पूरी रात आप प्याज जो है वो पानी में भिगो के रखें, हाँ जी, अच्छा शुक्र है सर पे भिगो के निकाल, पानी में भिगो के रखें, सुबह उठे आप उसको हल्का सा मैश करने के बाद अपने बालों में लगा लें, उसके बाद शैम्पू करें, ऐसी शाइन आएगी ना, वाह जी यार ये वैसे ऐसी अच्छा आइडिया है, प्याज का पानी इज द बेस्ट रेमेडी फॉर योर मुंहे बाल एंड एवरीथिंग, नहीं नहीं एक मिनट, कंफ्यूजन, वो जो प्याज आपने छील के भिगोया है, भिगो दिया पूरी रात के लिए, उसका पानी या वो प्याज भीगा हुआ प्याज को भी आपने बीच में मैश करना है, ग्राइंड बदबू कितनी आएगी, खाना माना नहीं है, और बालों में
यार जैसे एक मास टाइप बना के हाँ, थोड़ी देर के लगाना है 15 मिनट हाँ, मैं तो रात भर लगा के सो गई थी तो मेरे मियाँ ने आग कर दिया। नहीं 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 वो वेरी गुड फॉर योर स्कैल्प योर हेयर ऑल्सो, ये तो मैं ट्राई करती थी, अब मुझे प्याज से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो मैं नहीं कर सकती, वरना इट्स वेरी गुड। इससे ज्यादा अच्छी चीज प्याज तो दो महीने बाद क्या प्रॉब्लम हुआ, मैं कच्चा प्याज नहीं खा सकती वो मैंने देखा था एक्चुअली। नहीं एक्चुअली ऐसे हुआ था मेरे साथ कि मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग और मुझे कोविड हो गया था ओके, तो वो डबल जो तड़का मेरे ऊपर लग गया था तो मुझे कुछ सर्टन स्मेल से प्रॉब्लम हो गया था। अब इतना बेहतर हो गया लाइक यू गाइस वर कुकिंग प्याज के साथ तो मैं खड़ी हो गई थी, वरना अगर प्याज घर में कच्ची प्याज अगर रखी भी होती थी ना बंद तो ये अभी हुआ 6-7 महीने से बेहतर हो गया, वरना मैं पकी हुई प्याज नहीं खा सकती किसी भी फॉर्म में, चाहे वो किसी पैकेट वाले चिप्स के अंदर अनियन पाउडर भी हो मैं वो भी नहीं खा सकती। सो इट जस्ट गॉट बेटर। ये तो मैं प्रेगनेंसी में डिसऑर्डर हो गया था कोई स्मेल, कोविड के बाद हुआ था प्रेगनेंसी में स्मेल इश्यूज होते हैं लोगों को, मुझे वो नहीं हुए थे एंड आई वाज सो हैप्पी, लेकिन फिर मुझे कोविड के बाद जब स्मेल 1.5 महीने बाद वापस आई थी क्योंकि मैं प्रेगनेंट थी जब मुझे कोविड हुआ था, तो उसके बाद जब वापस आई स्मेल तो मुझे कुछ सर्टन स्मेल से प्रॉब्लम हुआ, और ये अभी मेरी बेटी 2 साल की हो गई माशाल्लाह, पर लिटरली 6-7 महीने पहले ये शुरू हुआ है कि अब मैं पकी हुई प्याज खा सकती हूं, मतलब ऐसा ऐसा यू आर गेटिंग बेटर। जैसे अंडे से हुआ था, अंडा अभी तक मैं नहीं खा सकती, चिकन मुझे कभी कभी क्योंकि मैं एक ही तरह का मीट ज्यादा शौक से खाती हूँ वो चिकन है, मैं रेड मीट भी इतना शौक से नहीं खाती, खाती ही नहीं हूँ बल्कि, तो चिकन भी नहीं खा सकती थी, अब वो भी वापस आ गया, इतनी क्रेविंग्स हो रही होती थी उस वक्त कि चिकन बर्गर खाना है और वो चिकन तो सवाल ही पैदा नहीं था कि मैं खाऊंगी। अच्छा भी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपके पास बहुत सारी और टिप्स होंगी और हम सब ये चखेंगे, सब मिलके खाएंगे, मैं अकेली नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं खाने की तरफ जाऊं, दोपहर के खाने की तरफ, ज़रा नाश्ते की बात हो जाए। कहते हैं ना कि नाश्ता करो बादशाहों की तरह, क्योंकि नाश्ता होना चाहिए सेहत बख्श, लेकिन क्या करें, टाइम की कमी रुकावट की वजह से हम उतना हेल्दी नाश्ता नहीं कर पाते। बच्चों को स्कूल भेजना है, मियाँ साहब को ऑफिस भेजना है, सो वक्त ऐसे यूँ उड़ता है, सुबह के वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब नेचर्स ओन के क्विक कुकिंग वाइट ओट्स की मदद से हम हेल्दी नाश्ता कर सकते हैं। ना सिर्फ ये मिनटों में तैयार हो जाता है, बल्कि अहम विटामिंस जिसमें शामिल है B1, B5, B9 और मिनरल्स में मैंगनीज, कॉपर, मैग्नीशियम, ये जो मिनरल्स हैं इस जैसी दौलत से ये मालामाल है। रोज़ाना अगर हम नाश्ता इससे करें तो बा आसानी हम हाई ब्लड प्रेशर, शुगर यानी डायबिटीज़, बैड कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, आप अपने मर्ज़ी से इसे नमकीन भी बना सकते हैं और मीठा भी बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आपको रखता है ये स्मार्ट, मोटापे को करता है आपसे दूर। अब नेचर्स ओन ने रोल्ड ओट्स भी मुतारिफ करवा दिए हैं जो कि सेहत का भरपूर ख़जाना है, तो फिर वादा करें आज से नेचर्स ओन के क्विक कुकिंग वाइट ओट्स का नाश्ता लाजमी करेंगे। वैसे आप नाश्ते के अलावा रात में या शाम में भी खा सकते हैं। नेचर्स ओन का पैगाम है, नेचर्स ओन का नाश्ता रोज़ाना, अब ना चलेगा कोई बहाना। हाँ जी, सो नाश्ते की बात तो मैंने कर दी, अब आते हैं लंच की तरफ। हाँ जी, लंच की, वो भी सर्दियों के लंच की। यस, सर्दियों के लंच की जो कि सो यहाँ बना है प्रॉन कढ़ाई। प्रॉन कढ़ाई, ठीक है, जरा करीब करीब की एक दफा और हम जरा रुख करा देना जरा सबको। यस प्लीज, तो चाय कर ली है ना, यहाँ है प्रॉन कढ़ाई, यू हैव गॉट टू ट्राई ऑन इट। आई डिड, मैं भी जरूर ट्राई करने वाली हूँ। वैसे मैं प्रॉन नहीं खाती, लेकिन ये बेचारी माँ ने इतनी मेहनत से बनाया है, मैं पकड़ के नहीं, आई एम गुड, मैं जरा पकड़ के नहीं खाती कि अच्छा लगे। स्पाइसी चटपटी कढ़ाई है ये, इट्स रियली गुड, इट्स गुड, इट्स रियली गुड, रियली गुड। क्या बात है, मुझे प्रॉन से कोई एलर्जी नहीं है, बट यू डोंट एंजॉय हैविंग। मैं खाती हूं थोड़ी देर में आके। प्रॉन में प्रॉन मसाला, कढ़ाई मसाला नहीं खा सकती। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, साथ आपने बनाया है कश्मीरी चाय, पानी तो पिला दो, चटपटा है।
कढ़ाई चटपटी होगी है ना, बर्फ हो चुकी है, उसको आप बर्फ डाल के आइस्ड कश्मीरी चाय बना के पीजिए। आहा आहा कश्मीरी चाय यार, जरा बताना कश्मीरी चाय एक दफा दोबारा से कैसे बनाई है, अगर जिसने अभी देखे। अच्छा मैंने पहले बताई नहीं थी, आपने पूछी नहीं मुझसे। अरे देखो आप ये जुल्म देखे मुझे, याद क्यों नहीं आ रही। अच्छा सबसे पहले आपने चूल्हा जलाया, ओहो कट इट शॉर्ट, पानी यू नहीं होगा ना। अच्छा जी मैंने पानी इसमें डाला 4 कप जितना, जो पक पक के 2 कप जितना बन जाए, लेकिन ये कप छोटे इसलिए 3 का हो गया। उसके अंदर मैंने डाला 1 बादियान का फूल, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन वो डाला। उसके अंदर डाली मैंने थोड़ी सी टुकड़ा दालचीनी का, 6-7 इलायची डाली, खोल के मैंने कूट के नहीं, वैसे डाली कूट के भी डाल सकते हैं। उसके अंदर डाली अच्छा पत्ती, ग्रीन टी वाली भी ले सकते हैं लीव्स, और आप कश्मीरी चाय लीव्स भी ले सकते हैं, सो इट्स अप टू यू। वो मैंने ऐड कर दिए 2 से 2.5 चमचे, उनको इस तरह पकाया और उसको चमचा हिलाते रहा, साथ साथ मैंने 1 पिंच नमक और 1 पिंच बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला है 1 पिंच, और उसको सोडा डाला, आई थिंक उसको थोड़ा यू 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 कर देता है, नहीं आई थिंक उसका कलर से यू यू यू, व्हाट इज अप विद दिस यू यू यू, दिस गिव्स मोर एक्साइटमेंट, सो इट्स देयर। तो वो उसको सिर्फ पकाते रहते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज पकाने से होता है। हाँ जी, और अलग से नहीं डालते कलर, नहीं कुछ नहीं डालते, वो उसी के अंदर कलर चेंज होता है, उसको चमचा हिलाते रहते हैं, जब वो 2 कप जितना, उसमें ठंडा बर्फ जैसा पानी आप ऐड करते हैं 2 कप जितना, देन यू बॉइल अगेन एंड यू कीप मूविंग द चमचा। जैसे बर्फ का पानी का क्या क्या सीन है, मुझे उसका आइडिया नहीं कि क्या सीन है, लेकिन मैंने ऐसा ही देखा जिसको बनाते रहते, तो मैंने वैसे बनाया। उसके बाद आप वो कावा स्टोर कर सकते हैं, मेरा कावा इतना था कि वो इतने कप में पूरा हो गया, ठीक। और आपने दूध साथ में उबालने रखा, उसमें इलायची डालने की जरूरत नहीं है, उसके बाद चीनी जितनी डालनी आपको दूध में डाल के उबाल लें, उसको उबालने से उसकी मलाई अच्छी आ जाती है, उसको साइड पे करें, कावा छान के इसमें ऐड कर दें, जितना पिंक चाहिए उतना कर दें, मेरा वाला थोड़ा पिंक पीच ब्राउन हो चुका है, तो ऐसे ही होती है शादियों में, बड़ी पिंक होती है, मुझे लगता है वो कलर डाल, आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा पड़ता है, वो फिर कलर पिंक निकल आता है उसके बाद, और बस इसके कसम है चख लो, मुझे भी इसका मीठा खाने का दिल यार, मैं क्यों नहीं उधर आ सकती, आ जाओ ना निकल के, तुम्हें कितने मना किया है, एक प्लेट ये लो, और स्वाति की वाली बच गई, बच गई, ये लो ये लो ये लो, हमारी किरण मीठा नाइस ना, मैं क्या है मेरी किरण, इज इट यस, डिप 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 यार, मेरा भी दिल चाह रहा है फ्राइड तो खा लूं, ये क्या बात है आप लेयर खा रही हैं, मुझे तो यार उसी से पता चल जाएगा प्रॉन कैसा है, यू डोंट ईट प्रॉन्स ना, सारे लेयर खाएंगे, मेरे लिए मजे मजे नहीं, प्रॉन खा लो, मजे लग रहा है, मुझे इतना टेम्प्ट कर रहा है, अल्लाह चलो मीठा चम्मच, गुड गर्ल, मारो मारो चमचा, डिप डिप, तुम कामयाब हो लड़की, थैंक्स ब्रो, रिश्ता पक्का, वो सो गुड, यू हैव टू डिग इन, बहू तुम कामयाब हो चुकी हो, डिग इन, वाह बहू वाह, और जोर से करती है उन्होंने, वाओ यार मजे का लग रहा है, बहुत जल्दी हो गया सारा कुछ, हाँ इतना अच्छा लग रहा है, ताशे में टेस्ट करूँ, खाओगी इसी में टेस्ट करूँ, हाँ बहुत अच्छा है, कसम है यम, कसम है बहुत मजे का, सुनो सना यस यार, बाकी ये खाना बनाते सारी जिंदगी, ये तुम मेरे हाथ का पका हुआ खाती रही हो, आज तुम इतना खाना खिलाती है, हम यहाँ खाना खा रहे हैं, अब हम बिजी हो गए हैं, आप लोग भी किचन में बिजी हो जाएं, यही रेसिपीज आप अपने घर में बनाइए और इंजॉय करें, थैंक यू माय सेलिब्रिटीज के आप लोग किचन में इतने खूबसूरत तैयार होके आपने खाने बनाए, आप भी ऐसे खूबसूरत बन के खाने बना सकते हैं ताकि आपके हस्बैंड इंप्रेस हो, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज का मैसेज गुड